यप क्या चल रहा? चलिए यारों पढ़ाई करेंगे थोड़ी सी। पढ़ाई की है आपने? जरूरत भी है? वो कहाँ है मालपानी साहब? दो व्यक्तियों को बोला था मैंने लिखने के लिए, एक मालपानी साहब और एक और मैंने कुछ पूछा था उस दिन। लिख लिया? लाए हो? ठीक है, आफ्टर लेक्चर मिलके जाइएगा। और मालपानी साहब तो आ ही नहीं रहे। हाँ, कहाँ गया है वो? आप जब धीरे बोलते तब आप बहुत तेज बोलते हैं। चलो चलो, आज के लिए ज्यादा कुछ टारगेट नहीं है हमारा, कंफर्टेबली कर लेंगे। उसके बाद मैं आज आपसे क्वेश्चंस पूछूंगा, फिर मैं रिवीजन करवाऊंगा। यस, हाँ ये सरप्राइज टेस्ट। क्वेश्चंस पूछूंगा कुछ मैं आपसे म्यूचुअल फंड के, फिर 10 कदम खेलेंगे हम थोड़ा सा। चलिए यारों, यप, लेट्स हिट इट। म्यूचुअल फंड का एंटायर चैप्टर हैज बीन डन। टुवर्ड्स द एंड एक रेगुलेशन है, सेबी म्यूचुअल फंड रेगुलेशन 1996। उस रेगुलेशन ने कुछ पॉइंट्स दिए, बिल्कुल टेंशन नहीं लेते हुए एक एक पॉइंट को रीड करना है। सर क्या हमारा ऐसा क्वेश्चन आ सकता है क्या, व्हाट डज म्यूचुअल फंड रेगुलेशन सेज? नो, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आ सकता जिसके आंसर में आपको सारे पॉइंट्स लिखने हो, नहीं। लेकिन आपको हर एक पॉइंट का कंटेंट पता होना चाहिए, तब तो आप समझेंगे म्यूचुअल फंड क्या होता है, क्यों होता है, समझ गया। लेकिन म्यूचुअल फंड फिर फंक्शन कैसे करता है, उसके ऊपर एप्लीकेबल रेगुलेशन क्या कहती है, ये यहां पर हम देखने वाले हैं। वेरी इजी को याद तो करना ही नहीं है, तो एकदम आराम से सिर्फ हमें सारे एक एक पॉइंट समझ में आने चाहिए। चलिए, सबसे पहले सेबी म्यूचुअल फंड रेगुलेशन 1996 हैज बीन नोटिफाइड ऑन 9 दिसंबर 1996 विद द ऑब्जेक्टिव टू इंप्रूव द वर्किंग एंड रेगुलेशन ऑफ म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री। सिंपल चल रहा है अभी तक कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री बड़ी हेवे में चल रही थी, कुछ स्ट्रक्चर नहीं था, तो उनको रेगुलेट और स्ट्रक्चर करने के लिए रेगुलेशन लाया गया 1996 में, ठीक है। सो दैट म्यूचुअल फंड कुछ प्रोवाइड अ बेटर परफॉर्मेंस एंड सर्विस टू ऑल कैटेगरीज ऑफ इन्वेस्टर एंड ऑफर अ रेंज ऑफ इनोवेटिव प्रोडक्ट्स इन अ कॉम्पिटिटिव मैनर टू मैच इन्वेस्टर्स नीड एंड प्रेफरेंसेज अक्रॉस वेरियस इन्वेस्टर सेगमेंट। क्या आज की तारीख में मार्केट में एक प्रकार का इन्वेस्टर नहीं है? ऐसा नहीं है कि एक ही टाइप का इन्वेस्टर है, उसको अपना पैसा मल्टीप्लाई कराना है। मार्केट में 100 टाइप ऑफ इन्वेस्टर्स हैं। कोई व्यक्ति ऐसा है जिसको बहुत रिस्क लेने की इच्छा है, जो कि 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करना चाहता है, चाहता है कि वो 20 लाख रुपए हो जाए, भले ही जाए तो 2 लाख रुपए डूब जाए, हाई रिस्क हाई रिटर्न। कोई एक व्यक्ति है ऑन द कॉन्ट्रेरी, चाहता है कि भाई मैं 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करना चाहता हूं, भले ही मुझे रिटर्न नेग्लिजिबल मिले, भले ही 5% पर एनम का रिटर्न मिले, लेकिन मेरे 2 लाख का नुकसान नहीं होना चाहिए। ये हो गया कैपिटल प्रोटेक्शन वाले कि एकदम ही रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेनी है हमको। कुछ हो गए भाई साहब कि हमें रीजनेबली रिस्क लेने के इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट करेंगे ताकि हमें कैपिटल प्रोटेक्शन भी मिलता रहे और थोड़ा बहुत डिविडेंड इनकम मिलता रहे। कोई हो सकता है व्यक्ति कि नहीं, मुझे तो चाहिए सिर्फ मात्र केवल इनकम, फिक्स इनकम तो मुझे चाहिए ही चाहिए। तो मार्केट में देर आर मल्टीपल टाइप ऑफ इन्वेस्टर। तो म्यूचुअल फंड रेगुलेशन इसलिए लाई कि वो हर प्रकार के इन्वेस्टर की नीड को सर्व कर सके, डिफरेंट क्लासेज एंड कैटेगरीज ऑफ इन्वेस्टर की नीड को सर्व कर सके। इसके लिए म्यूचुअल फंड रेगुलेशन आया, टू स्ट्रीमलाइन टू ऑर्गेनाइज म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री, ठीक है सर। द सेबी म्यूचुअल फंड रेगुलेशन 1996 डील्स विद 10 चैप्टर्स एंड 12 शेड्यूल्स। ये क्या है, हर एक एक्ट के अंदर मल्टीपल चैप्टर्स होते हैं। कंपनीज एक्ट हमने देखा, बहुत सारे चैप्टर्स हैं और एंड में शेड्यूल्स हैं। उसी तरह से इस एक्ट के अंदर भी, इस रेगुलेशन में भी 10 चैप्टर्स एंड 12 शेड्यूल्स। सर हमें पता होना चाहिए? नहीं, हमें सिर्फ ये कुछ स्पेशल पॉइंट्स से वो ध्यान रखने। सर क्या पॉइंट्स है? अब एक एक करके पॉइंट समझना है हमको। फर्स्ट पॉइंट, ऑल द स्कीम्स टू बी लॉन्च्ड बाय एएमसी नीड्स टू बी अप्रूव्ड बाय द बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज एंड कॉपीज ऑफ द ऑफर डॉक्यूमेंट सच स्कीम आर टू बी फाइल्ड विद सेबी। खत्म। इनका कहना है कि किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर हमने स्ट्रक्चर देखा, हमें पता है एसेट मैनेजमेंट कंपनी कहां पे होती है, हमें पता है ट्रस्टीज कहां पे होते हैं, स्पॉन्सर कहां पे होते हैं। तो लॉ ये कहता है कि असेट मैनेजमेंट कंपनी अगर कोई भी स्कीम लॉन्च कर रही है कि इक्विटी बेस्ड स्कीम के म्यूचुअल फंड हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो उनको पहले अप्रूवल किसका लेना है, ट्रस्टीज का, बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज का अप्रूवल लेना कंपलसरी है। सर ऐसा क्यों? आपको याद आ रहा होगा, अगर सबसे पहले आया था स्पॉन्सर,
स्पॉन्सर ने अपॉइंट किया था, ट्रस्टी ने अपॉइंट किया था एएमसी को. तो एएमसी ट्रस्टी ने अपॉइंट किया, ट्रस्टी की ड्यूटी होती है कि वो एएमसी के काम को देखे, टू ओवरसी के एएमसी किस प्रकार से काम कर रहा है, एएमसी किस प्रकार से काम कर रहा है, ये ओवरसी करने की ड्यूटी है ट्रस्टी की. तो यहां पे एएमसी अगर कोई भी स्कीम लॉन्च करता है तो पहले ट्रस्टी के पास जाता है, हे ट्रस्टी मैं ये स्कीम लॉन्च कर रहा हूं सब कुछ ठीक है क्या, अगर ट्रस्टी अप्रूव करेगा तो ही स्कीम लॉन्च होगी, क्योंकि ट्रस्टीज के ट्रस्ट पे पब्लिक ने पैसा दिया है. आज अगर पब्लिक इन्वेस्ट करती है तो वो देखती है कि फंड मैनेजर कितना इंटेलिजेंट है और ट्रस्टीज कितने ट्रस्टवर्दी हैं. ट्रस्टीज कौन होते हैं, मार्केट के रेप्यूटेड लोग जिनके पास पैसा देता, तो हमें भरोसा है कि भाई पैसा डूबेगा नहीं, कि पैसा डूबेगा नहीं. तो ट्रस्टीज के ट्रस्ट पे पैसा है, इसलिए ट्रस्टीज को सबसे पहले स्कीम अप्रूव करानी होती है. उसके अलावा जो ऑफर डॉक्यूमेंट है दैट हैज टू बी फाइल्ड विद सेबी, कंपल्सरीली द ऑफर डॉक्यूमेंट हैज टू बी फाइल्ड विद सेबी. दो चीजें क्लियर है, समझ में आना चाहिए. कोई भी स्कीम है तो उसका ऑफर डॉक्यूमेंट सेबी के पास जाएगा और वो स्कीम तभी स्टार्ट होगी जब बोर्ड ऑफ ट्रस्टी उसको अप्रूव करते हैं. कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी सिंपल सी बात बोली इसने, डन. सेकंड, ये जो ऑफर डॉक्यूमेंट सेबी के पास जा रहा है, द ऑफर डॉक्यूमेंट शैल कंटेन एडिक्वेट डिस्क्लोजर टू एनेबल द इन्वेस्टर टू मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन. द ऑफर डॉक्यूमेंट शैल कंटेन एडिक्वेट डिस्क्लोजर टू एनेबल द इन्वेस्टर टू इन्फॉर्म्ड डिसीजन. के जो ऑफर डॉक्यूमेंट होता है ना, ऑफर डॉक्यूमेंट बोले तो सिड साई याद आ रहा है, दैट शुड बी गुड इनफ. उसके अंदर इतना कंटेंट होना चाहिए कि एक व्यक्ति आराम से इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सके, कि उसके अंदर वो सारी इन्फॉर्मेशन देनी है जिसके भरोसे पे एक व्यक्ति इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सके. इजी टू गो अगेन, कोई बड़ी बात नहीं बोली इन्होंने, ठीक है सर. अब ध्यान से, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट, अभी तक के दो पॉइंट सिर्फ रीडेबल थे. द लिस्टिंग ऑफ क्लोज एंडेड स्कीम इज मैंडेटरी, ठीक है सर, ये अंडरलाइन करने लायक पॉइंट मिला. The listing of closed-ended scheme is mandatory. हमने बातों ही बातों में पहले डिस्कशन कर दिया है, open-ended, closed-ended. Closed-ended में डर क्या है कि म्यूचुअल फंड के दरवाजे आपके लिए बंद हैं. So SEBI made it compulsory to be listed. SEBI made it compulsory to be listed. ठीक है सर. And they should be listed on a recognized stock exchange within 6 months from the closure of subscription. के भाई साहब जिस दिन हमने लोगों से पैसा ले लिया है, हमारा subscription close हो चुका है, उसके within 6 months हमारी listing हो जानी चाहिए. तो mutual fund regulation इतना से कहते हैं, open ended है तो ठीक है, closed ended जब subscription हुआ है, जब सबका subscription आ चुका है, उसके 6 months के अंदर compulsorily listed होने चाहिए आपके securities. ठीक है सर. However, the listing is not mandatory in cases. ये ए बी सी डी, ये चार केसेस लॉ ऐसे देता है जहां पे भले ही आपकी यूनिट्स क्लोज एंडेड है, आपको लिस्ट कराने की आवश्यकता नहीं है, आपको लिस्ट कराने की आवश्यकता नहीं है इन पांच चार केसेस में. सर देख लेते हैं कौन से केसेस हैं. इफ द स्कीम प्रोवाइड्स फॉर मंथली इनकम और केटर्स टू सीनियर सिटीजन वुमेन चिल्ड्रन एंड फिजिकली हैंडीकैप, ठीक है. पहले मैं दो पॉइंट आ जाते हैं. सबसे पहला, इफ द स्कीम प्रोवाइड्स फॉर मंथली इनकम, अगर स्कीम ने मंथली इनकम प्रोवाइड कर रखी है कि आज आप हमारे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो, एवरी मंथ आपको हर एक को यूनिट पे 10% पर एनम के हिसाब से एवरी मंथ पेमेंट मिलेंगे, एवरी मंथ आपको पेमेंट मिलेंगे ही मिलेंगे, 1% समझिए, 1% पर मंथ का आपको पेमेंट मिलेगा. आज आपने इन्वेस्ट किया ना 1 लाख रुपीज, एवरी मंथ आपको ₹1,000,000 मिलेंगे. इफ द स्कीम प्रोवाइड्स फॉर व्हाट, मंथली इनकम, तो भी आपको लिस्ट कराने की आवश्यकता नहीं है. या फिर द स्कीम केटर्स टू सीनियर सिटीजन, कोई स्पेशल स्कीम है सिर्फ सीनियर सिटीजन के लिए बनाई गई है, लिस्ट कराने की आवश्यकता नहीं है. इफ द स्कीम केटर्स टू वुमेन, लिस्ट कराने की आवश्यकता नहीं है. चिल्ड्रंस और फिजिकली हैंडीकैप, ध्यान से समझें क्या कहना चाह रहे हैं. ये कह रहे हैं कि इफ इट इज अ स्पेशल स्कीम, इसका आउटलुक मार्केट इन्वेस्टमेंट ही नहीं है, इसका आउटलुक सामने वालों के बेनिफिट के लिए भी है. चिल्ड्रन, वुमेन, सीनियर सिटीजन, हैंडीकैप, इनके लिए अगर कोई स्कीम लॉन्च की है तो फिर आपको उसको लिस्ट कराने की जरूरत नहीं है. अरे आप लिस्ट करवा ही नहीं सकते ना, फिट हो रहा है. दैट इज ओनली फॉर फिजिकली हैंडीकैप, ओनली अ पर्सन हु इज फिजिकली हैंडीकैप कैन बाय. तो आप उसको लिस्ट कैसे करवा सकते हो, लिस्ट हो गया मतलब कोई भी जना बाय कर सकता है ना. आर यू अंडरस्टैंडिंग द बेसिक लॉजिक. अरे फिजिकली हैंडीकैप का है, वहां पे लिस्ट हो गया तो कोई भी खरीद लेगा फिर तो ऐसे यूनिट्स को लिस्ट होने की आवश्यकता नहीं है. सेकंड, इफ द स्कीम इज प्रोवाइडिंग मंथली इनकम, इफ द स्कीम इज प्रोवाइडिंग मंथली इनकम, तो भी लॉ का मानना है कि अगर ये मंथली इनकम प्रोवाइड
कर रहा है देन इट विल बी वेरी बर्डनसम ऑन द म्यूचुअल फंड कि भाई साहब फिर अगर एक व्यक्ति ने बीच में यूनिट खरीदा तो ये मंथली इनकम कैसे डिवाइड करेंगे सर हम तो जैसे कंपनी लॉ में रूल है ना कि जिसके पास आखिरी दिन है वो रख लेगा पूरे महीने की इनकम म्यूचुअल फंड में वो रूल नहीं चलता म्यूचुअल फंड में वो रूल नहीं चलता यहां पर एक अलग ही कंसेप्ट आता है जो हमारे सिलेबस में नहीं है डिविडेंड इक्वलाइजेशन म्यूचुअल फंड तो ये कहता है कि मान लीजिए साल के बीच में किसी व्यक्ति ने यूनिट्स खरीदे साल के एंड में डिविडेंड मिल रहा है तो जैसा कंपनी लॉ में होता है ना कि जिसने शेयर होल्ड कर रखे रिकॉर्ड डेट पे उसको डिविडेंड मिल जाएगा साल भर का म्यूचुअल फंड में ऐसा नहीं होता म्यूचुअल फंड में पार्टली आपको डिविडेंड मिलता है म्यूचुअल फंड में पार्टली आपको डिविडेंड मिलता है तो लॉ का कहना है अगर मंथली इनकम बेस दे रहे हैं तो फिर तो म्यूचुअल फंड यही कैलकुलेट करता रह जाएगा ना कि हर महीने के एंड में कि किसको कितना देना है सो दैट इज वाई अगर आपके म्यूचुअल फंड में मंथली इनकम प्रोवाइड कर रहा है या फिर स्पेशली सीनियर सिटीजन वुमेन चिल्ड्रन या फिजिकली हैंडीकैप के लिए है आपको लिस्ट कराने की आवश्यकता नहीं है फर्स्ट पॉइंट क्लियर अगर मंथली इनकम आपने प्रोवाइड किया तो आप समझिए ₹10 इन्वेस्ट हो गया आपका उस पर आपको एवरी मंथ ₹100 पे 1% है मान लीजिए एक एक रुपए आपको मिल रहा है और आपको लग रहा है इवेंचुअली अगर इनमें लॉस हो गया तो आपका जब आप कैपिटल लेने जाएंगे तब तो आपको कम ही मिलेगा ना कैपिटल तो एनएवी के हिसाब से मिलेगा आज ₹100 इन्वेस्ट कर दिया हमने अब म्यूचुअल फंड लॉस में फिर भी मंथली इनकम प्रोवाइड कर रहा है वन ईयर का टेन्योर है वन ईयर जब खत्म हुआ तब आपको एंड में जब एनएवी मिलेगी म्यूचुअल फंड एनएवी कैसे कैलकुलेट करेगा मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट प्लस करंट एसेट तो आपका एनएवी कम आएगा ना वो नॉर्मली मिलेगा यही तो इफ एट ऑल द म्यूचुअल फंड प्रोवाइड्स फॉर मंथली इनकम अगर म्यूचुअल फंड मंथली इनकम के लिए प्रोवाइड कर देता है तो म्यूचुअल फंड को मंथली इनकम देना होगा सर अगर लॉस में है तो एनएवी में कंपनसेट होगा आपको अभी तो आप मजे ले लो एंड में एनएवी आपको कम मिलेगा फिर आपका क्या कहना है कि लोगों को फायदा क्या है इस म्यूचुअल फंड में वो इन्वेस्ट करेगा जिसके लिए मंथली इनकम बहुत इंपॉर्टेंट है जो पैसा ऐसी जगह इन्वेस्ट करना चाहता है जहां उसको मंथली इनकम तो चाहिए ही सही तो म्यूचुअल फंड के अंदर उसको मंथली इनकम मिल रही है और कैपिटल अप्रिसिएशन की पॉसिबिलिटी भी है कैपिटल अप्रिसिएशन की पॉसिबिलिटी भी है मार्केट रिस्क तो है ही ना हम तो वो आपने एग्जांपल ऐसा लेके लॉस हो गया बाकी हो सकता है प्रॉफिट भी हो जाए तो उसको मंथली इनकम भी मिल ही रहा है और कैपिटल अप्रिसिएशन भी है बिल्कुल क्योंकि एवरी मंथ आपका करंट एसेट ही कम रहेगा ना आपका कैश तो आप पे करते रहेंगे लेकिन पीपल आर गेटिंग बेनिफिट नॉट एट द एंड बट पीरियोडिकली सो इफ अ पर्सन इज इन नीड कि भाई साहब उसको पीरियोडिक पैसे की जरूरत है तो वो इस टाइप के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेगा इन्हें लिस्ट होने की आवश्यकता नहीं है ऐसा फर्स्ट पॉइंट इजी टू गो चलो वी आर हिटिंग द सेकेंड पॉइंट इफ द स्कीम डिस्क्लोजेस डिटेल ऑफ रीपर्चेज इन द ऑफर डॉक्यूमेंट अगर ये स्कीम खुद ही रीपर्चेस की बात करती है मुझे याद दिलाओ ओपन एंडेड क्लोज एंडेड में डिफरेंस क्या था ओपन एंडेड ऐसा था जिसके दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले हैं आप कभी भी जाके वहां पे यूनिट्स का देखकर पैसा ले सकते हो क्लोज एंडेड सर दो साल का टेन्योर दो साल के लिए आपके दरवाजे बंद कर दिए सेकेंड पॉइंट ये कहता है कि व्हाट इफ द म्यूचुअल फंड हैज डिस्क्लोज द डेट्स कि भाई साहब दो साल के म्यूचुअल फंड है पहली बार आज इशू कर दिए छह महीने बाद दरवाजे खुलेंगे किसी भी व्यक्ति को अगर म्यूचुअल फंड का यूनिट बेचना है तो बेच दो फिर वापस बंद हो जाएंगे फिर वापस छह महीने बाद खुलेंगे फिर वापस बंद हो जाएंगे वापस छह महीने बाद मतलब दो साल में चार बार ऑप्शन दिया जाएगा फॉर रीपर्चेस अगर कोई क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड है तो वो क्लोज एंडेड क्यों क्योंकि वो साल भर ओपन थोड़ी है वो क्लोज एंडेड लेकिन अगर वो आपको ऑप्शन देता है डेट्स बताता है कि इस दिन पे हम रीपर्चेस करने को रेडी हैं तो आपको नहीं लगता ये समवेयर बीच में हो गया ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड के तो इसे भी लिस्ट करवाने की आवश्यकता नहीं है क्या लिखा है पॉइंट अच्छे से देखेंगे इफ द स्कीम डिस्क्लोजेस डिटेल ऑफ रीपर्चेस इन द ऑफर डॉक्यूमेंट अगर स्कीम के अंदर रीपर्चेस के क्लॉज बनाए हुए हैं तो अगर आपको बेचना है तो इस पीरियड के बाद आप वैसे ही म्यूचुअल फंड को बेच सकते हैं दरवाजा आपके लिए पूरा बंद नहीं किया गया आर यू अंडरस्टैंडिंग द टॉपिक व्हिच आई एम ट्राइंग टू टीच इज क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड्स हैव टू बी मैंडेटरीली लिस्टेड एंड आई एम टीचिंग यू द एक्सेप्शंस टू इट फर्स्ट एक्सेप्शन पढ़ लिया हमने मंथली इनकम वाला फिर स्पेशली फॉर सीनियर चिल्ड्रन वुमेन और हैंडीकैप दूसरा पढ़ा दिया इफ एट ऑल द स्कीम पीरियोडिकली गिव्स एन ऑप्शन ऑफ रीपर्चेस इफ द स्कीम मेंशंस रीपर्चेस के डिटेल्स आर यू अंडरस्टैंडिंग दो पॉइंट इजी है थर्ड पॉइंट इफ द स्कीम ओपन्स फॉर रीपर्चेस विद इन सिक्स मंथ्स ऑफ क्लोजर और सब्सक्रिप्शन के अगर स्कीम का टेन्योर ही छह महीने से कम है आप समझ रहे हैं क्लोज एंडेड है लेकिन कितने की है चार महीने की है आज हमने स्कीम को ओपन किया है
चार महीने बाद तो हम आपका पैसा वापस रीपर्चेस कर लेंगे। आज हमने स्कीम को ओपन किया है और चार महीने बाद, पांच महीने बाद, नॉट मोर देन सिक्स मंथ्स के अंदर ही हम आपका पैसा क्या कर देंगे, वापस आपको दे देंगे। तो भी आपको लिस्टिंग कराने की आवश्यकता नहीं है। अरे थोड़ा दिमाग लगाओ, लिस्टिंग कितने टाइम में करानी है? सिक्स मंथ्स में तो हम स्कीम ही क्या कर रहे हैं, क्लोज। इफ द स्कीम ओपन फॉर रीपर्चेस विद इन सिक्स मंथ्स ऑफ द क्लोजर ऑफ सब्सक्रिप्शन, ये सब्सक्रिप्शन क्लोज हुआ और सिक्स मंथ्स के अंदर तो हम रीपर्चेस कर रहे हैं, ठीक है। एंड लास्ट इज इफ द स्कीम इज अ कैपिटल प्रोटेक्शन ओरिएंटेड स्कीम, कि अगर स्कीम कैपिटल प्रोटेक्शन ओरिएंटेड स्कीम है तो वहां पे भी आपको लिस्ट करने की आवश्यकता नहीं है। सर ऐसा क्यों रखा है? उसका बेसिक रीजन आप ऐसा समझ लीजिए, कैपिटल प्रोटेक्शन ओरिएंटेड स्कीम का मतलब है हर एक व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति ने वहां पे पैसा दिया है जो कि 1% भी लॉस नहीं रखना चाहता। तो यहां पे जितना पैसा आया उतना का उतना पैसा इन्वेस्ट किया जाता है रिस्क फ्री सिक्योरिटीज में। इंडिया में रिस्क फ्री सिक्योरिटीज किसकी सिक्योरिटीज को कहेंगे? गिल्ट एजेड जिसे आप कहते हैं, या फिर ट्रेजरी बिल जिसे कहते हैं, इन नटशेल सर जिसे हम कहते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो आरबीआई इशू करता है। तो सिर्फ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को इंडिया में दर्जा दिया गया है जीरो रिस्क, रिस्क फ्री सिक्योरिटीज का। अब मैं जब आरबीआई के अंदर इन्वेस्ट करता हूं तो आरबीआई के जब भी ट्रेजरी बिल्स आते हैं उसको आप बीच में सेल नहीं कर सकते, उनका 365 डेज का अगर टेन्योर है। तो आज अगर आपने पैसा दिया है तो आरबीआई आपको वापस कब देगा? 365 डेज के बाद। आरबीआई आपको पैसा देगा 365 डेज के बाद। अब सर एक काम करेंगे ना, फिर तो हम क्या करेंगे, मान लीजिए हमने 10 सीआर खरीद लिया तो हम 9 सीआर को इन्वेस्ट कर लेंगे और 1 करोड़ अपने पास में रखेंगे किसी को भी देने के लिए। अरे फिर वापस इसका रिटर्न पे भी तो इंपैक्ट आएगा, क्योंकि इन्वेस्ट तो कितना हो रहा है, सिर्फ 9 सीआर। तो कैपिटल प्रोटेक्शन ओरिएंटेड स्कीम को स्पेशल एडवांटेज दे दिया है कि कोई आपसे पैसा नहीं मांगेगा बीच में। मान लो 2 साल की स्कीम है तो आप 2 साल के लिए पूरा पैसा ले लो और 2 साल के बाद आप पैसा वापस दे देना। ना तो ये स्कीम लिस्टेड होंगी और ना ही यहाँ पे ओपन एंडेड रखना मैंडेटरी है। तो अगर आज कोई चाहे कि मैं क्लोज एंडेड स्कीम चला रहा हूँ तो वो तभी तो चला पाएगा। आज आरबीआई का ट्रेजरी बिल आया 365 डेज का, तो आज मैंने लोगों से पैसा लिया और 365 डेज के अंदर इन्वेस्ट कर दिया, तो 365 के पहले तो मुझे भी पैसा नहीं मिलने वाला है ना। सो दैट इज हाउ कैपिटल प्रोटेक्शन ओरिएंटेड स्कीम फंक्शन। अब सिर्फ एक सवाल आता है, सर फिर लोग म्यूचुअल फंड के थ्रू क्यों इन्वेस्ट करेंगे? इट इज जस्ट द टाइमिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट। आप समझिए, आरबीआई के ट्रेजरी बिल्स के मल्टीपल टाइप्स आते हैं। आप आरबीआई की वेबसाइट पे जाएंगे, आपको 14 डेज ट्रेजरी बिल भी मिलेगा, आपको 90 डेज ट्रेजरी बिल भी मिलेगा, आपको 180 डेज भी मिलेगा, 364 भी मिलेगा। सो करेक्ट टाइम पे करेक्ट ट्रेजरी बिल के अंदर आपको इन्वेस्ट करना है। आरबीआई का फंडा ऐसा रखता है कि जब भी फिस्कल डेफिसिट आई, फिस्कल डेफिसिट आरबीआई को जब भी हो रही है तब आरबीआई नीड्स मनी, तो आरबीआई अकॉर्डिंगली ट्रेजरी बिल्स इशू करता रहता है। कि करंटली तो आरबीआई पीरियोडिकली करता ही है, हर 15 दिन में ट्रेजरी बिल इशू करता ही है, तो उसके अकॉर्डिंगली सही टाइम पे इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है बाय म्यूचुअल फंड। तो कैपिटल प्रोटेक्शन ओरिएंटेड स्कीम को भी एग्जम्प्ट किया गया। अभी तक हमने जो भी ऊपर के पॉइंट पढ़े थे सिर्फ अच्छे राधे राधे वाले पॉइंट थे, लेकिन ये एक ऐसा पॉइंट है जिसपे क्वेश्चन भी बन सकता है। तो 4 पॉइंट बनता है एकदम आराम से। ये पॉइंट में हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा ऑल द क्लोज एंडेड स्कीम हैव टू बी मैंडेटरीली लिस्टेड, ऑल द क्लोज एंडेड स्कीम्स हैव टू बी मैंडेटरीली लिस्टेड एंड दे हैव टू बी लिस्टेड विद इन, सही है ना? गजो। चलिए वापस लगते हैं। आपको बस वो आपका टाइम पास करवा लो, क्या हुआ सर, पुलिस क्यों आई, क्या हुआ सर, गजो। अरे होगा किसी का कुछ रहता, चलो। हाँ अरे हाँ, मयूर सर को पकड़ने हैं, नीचे आके पकड़ रहे, ठीक है ना, उनको अभी लेके जाएंगे, बड़ा मजा आएगा यहाँ से देखेंगे अपन, ठीक है ना, बेशर्म हो। चलो, यस पीपल, वी हैव जस्ट डिस्कस 3 पॉइंट्स जिसके अंदर फर्स्ट एंड टू वर इररिलेवेंट। इररिलेवेंट मतलब एक बार रीड करने लायक है बस। थर्ड पॉइंट लॉजिकल पॉइंट है जिसके ऊपर क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। द लिस्टिंग ऑफ क्लोज एंडेड स्कीम इज मैंडेटरी, दैट टू विद इन
6 months from that end of subscription. जिस दिन subscription खत्म हुआ, वहाँ से 6 months के अंदर आपको mandatory listing करानी है. Close ended scheme है तो, open ended तो optional, close ended mandatory. लेकिन there are चार exception, there are four exception in which close ended scheme need not be listed. First is pretty clear. If the scheme is monthly return provide कर रही है, it is for senior citizen, women, children, physically handicapped. First point is done. Second, if it discloses repurchase scheme, क्या आपके scheme के अंदर ही repurchase के terms इन्होंने बता रखे हैं कब कब repurchase करेगा. Third, if it is repurchasing within 6 months, 6 months के अंदर ही हम scheme के पूरे units को repurchase ही कर लेंगे. And the last one is if the scheme is capital protection oriented scheme. Easy to go, कोई तकलीफ की बात नहीं है. एकदम आराम से. यस प्लीज. यस, कैपिटल प्रोटेक्शन ओरिएंटेड स्कीम के एक्सपेंसेस कहां से बैर होंगे? अगर मान लीजिए 10 सीआर है तो इसके अंदर से सिर्फ वो जो अपने एक्सपेंसेस का पैसा है वो निकाल के बाकी पूरा अमाउंट इन्वेस्ट कर देंगे. 100% वहां से बैर होंगे. कैपिटल प्रोटेक्शन ओरिएंटेड स्कीम की हम बात करते हैं या फिर फॉर दैट मैटर किसी भी म्यूचुअल फंड की बात करते हैं तो एक्सपेंस के ऊपर रहती है लिमिट. जैसे कि अपन ने मान लिया 2.5%, तो मैक्सिमम उतना ही खर्च कर सकते हैं. तो वो पैसा आप निकाल के बाकी पूरा पैसा इन्वेस्ट कर देंगे कि उतना पैसा बचाएगा तो बचाएगा, वो तो निकालना ही पड़ेगा. जी 2. कितने परसेंट बता रहे हैं आप? ओके वेरी गुड, कोई बात नहीं. अरे होता है ऐसा. चलो कदम यहां पर. अभी क्या टेबल टीचिंग चल रही है? आप लोग ऐसे बिखर जाते हो वापस. यहां पर आओ, पढ़ा रहा है मैं यहां पर. चलिए नेक्स्ट इज यूनिट्स ऑफ अ क्लोज एंडेड स्कीम कैन बी ओपन फॉर सेल और रिडम्पशन एट अ प्री डिटरमिन्ड फिक्स्ड इंटरवल इफ द मिनिमम एंड मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सेल रिडम्पशन एंड पीरियोडिसिटी इज डिस्क्लोज इन द ऑफर डॉक्यूमेंट. अभी क्या कहना ध्यान से. अरे सर हमने तो पढ़ा था ओपन क्लोज में क्लियर था, ओपन ओपन रहेगा क्लोज क्लोज रहेगा. अरे ये कह रहे हैं कि क्लोज एंडेड स्कीम के अंदर भी ऑप्शन हो सकता है. अपन ने ऊपर एक्सेप्शन पढ़ा ना, अपन ने ऊपर एक्सेप्शन में क्या पढ़ा कि इफ एट ऑल के जिंदगी क्या हो गया? नहीं ठीक है, क्या हो गया? छोड़ के आ गए? मयूर सर को मारा तो नहीं उन्होंने? नहीं मारा ना, फिर ठीक है. बोला कि सामने मत मारना यार, ले जाके मारो. चलिए हमने ऊपर जो एक्सेप्शन के अंदर पढ़ा, द एक्सेप्शन वी रेड वॉज कि क्लोज एंडेड स्कीम अगर है, हमने ये पढ़ा है सर ओपन एंडेड है मतलब दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे, क्लोज एंडेड है मतलब दरवाजे बंद रहेंगे. ये पॉइंट सिर्फ इतना सा बोलता है कि जरूरी नहीं है कि क्लोज एंडेड है तो दरवाजे पूरे टाइम ही बंद रहेंगे. यूनिट्स ऑफ क्लोज एंडेड स्कीम कैन बी ओपन फॉर सेल और रिडम्पशन. सेल और रिडम्पशन का मतलब है यूनिट्स बढ़ भी सकते हैं सेल करके या यूनिट्स रिडीम भी हो सकते हैं, कम हो जाएंगे. एट अ प्री डिटर्मिंड फिक्स इंटरवल, जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल दिया ना 2 years में, हमने कह दिया आफ्टर एवरी 6 months ओपन होगा, जिसको आना है आ जाएगा, जिसको सेल करना है वो सेल भी कर देगा. ठीक है, इफ द मिनिमम एंड मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सेल और रिडम्पशन इज मेंशन, कि आपको क्लियरली बोल देना है कि हमारे यूनिट्स 10,000 यूनिट्स हैं, 6 months बाद ओपन होंगे, 1,000 यूनिट हम और इशू करेंगे या फिर 1000 यूनिट्स हम रिडीम करेंगे. जिस जिस व्यक्ति को फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे खरीदना है या रिडीम करना है वो कर सकता है. ये हम इन दिस 2 years का पीरियड टोटल करेंगे 3 बार. 3 बार क्योंकि चौथी बार तो खत्म ही हो जाएगा ना टेन्योर. आर यू अंडरस्टैंडिंग? फर्स्ट 6 months खत्म होने के बाद में, 1 year खत्म होने के बाद में, 1 year 6 months के बाद में, और 2 years के बाद में तो सबको रिडीम कर देंगे एनीवेज. तो अगर हम पहले से मिनिमम मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सेल और रिडम्पशन बता रहे हैं तो भी चलेगा, और उसके अलावा आपको पीरियोडिसिटी भी बताना है. पीरियोडिसिटी जैसे कि 6 months, अगर आप ये डिस्क्लोज करते हैं तो इवन दी क्लोज एंडेड यूनिट्स म्यूचुअल फंड कैन प्रोवाइड फॉर रिडम्पशन एंड सेल इन बिटवीन. मतलब ये कोई कसम खा के नहीं कहीं क्लोज एंड मतलब दरवाजा हमेशा बंद ही रहेगा, ये दरवाजा कभी कभी बीच में खुल भी सकता है, और वही तो एक्सेप्शन है. वही तो एक एक्सेप्शन है, लिस्टेड होने की भी जरूरत नहीं है. ठीक है नेक्स्ट. अरे क्या क्या कर रहे हैं? यूनिट्स ऑफ क्लोज एंडेड स्कीम कैन बी Units of closed-ended scheme can be converted into open-ended scheme with the consent of a majority of the unit holder and disclosure is made in the offer document about the option and period of conversion. कि भाई साहब हम ये option कब देंगे, conversion कब होगा इसका. अगर आपने पहले से option दे रखा है कि आज हम issue कर रहे हैं closed-ended scheme, 1 साल बाद आपको option दिया जाएगा convert करने का into a open-ended scheme.
अगर मेजॉरिटी अप्रूव करती है तो वैसा हो भी जाएगा, ऐसा आप ऑप्शन दे सकते हैं। तो कन्वर्टिबिलिटी यहां पे भी अलाउड है, ठीक है सर। और नई चीज, यूनिट्स ऑफ क्लोज एंडेड स्कीम में भी रोल्ड ओवर बाय पासिंग अ रेजोल्यूशन बाय मेजॉरिटी ऑफ द शेयर होल्डर। एकदम आराम से सर, रोल ओवर का मतलब एकदम आराम से क्या कर लिया? नहीं नहीं नहीं, रोल ओवर का मतलब समझेंगे एकदम शांति से। आज मैंने क्या किया, मैंने रोल ओवर जो है ना, सिंपल समझो, मैंने आज आप सबको कहा, सॉरी बोली बोली, नहीं नहीं बोलो बोलो, अरे हम ऐसे ही बैठे हैं, बोलो बोलो, अरे नहीं आज बैठे हैं, क्या हो गया, बोलो ना, अरे नहीं बोलना ही पड़ेगा, आई इंसिस्ट बोलना ही पड़ेगा, बोलो मैडम, बोलो बोलो, नहीं ओके, इतना इंसिस्ट करके भी आप वही बोले जो वो बोले थे, कोई बात नहीं। या कोई और कहना चाहता है कि रोल ओवर क्या है, बता दो एक बार, फिर मैं शुरू करता हूँ। एक के ऊपर एक दूसरा नहीं, संभालो हम क्लास में। छोड़ो मैं पूछूंगा नहीं, मैं पढ़ाऊंगा आपसे, ठीक है? आज सुबह बोल दिया आप कम बोलते हो तो आप तो मान ही नहीं रहे हो। चलो एकदम आराम से रोल ओवर का मतलब समझिए। आज मैंने क्या किया, आज आपको मैंने यूनिट्स इशू किए, आज मैंने आपको यूनिट्स इशू किए म्यूचुअल फंड के। मैंने आपको कहा कि दो साल तक ये पैसा मैं इन्वेस्ट करूंगा, दो साल क्लोज एंडेड स्कीम है, मुझसे दो साल तक पैसा मत मांगना, जब दो साल कवर कंप्लीट हो जाएंगे तब मैं आपको आपका रिटर्न दूंगा। ऐसे करके मैंने 10 लाख रुपए ले लिए, इन्वेस्ट किए, कहीं बेचे, खरीदे बेचे खरीदे बेचे, दो साल बाद मैंने 10 लाख कर दिए 20 लाख रुपए। मैंने कहा अब आओ साहब रिटर्न लेने के लिए, इसमें 2 लाख रुपए के मेरे खर्चे समझ लो, तो 18 लाख रुपए मैं आपको दे रहा हूं 10 लाख के बदले 18 लाख, मतलब हर एक व्यक्ति जिसने 10 रुपए दिए थे उसको कितने मिलेंगे, 18 रुपीज मिलेंगे आज, ठीक है सर? बहुत अच्छा, आप लोग आए ड्यू डेट पे, यू सेड कि सर एक काम करो ना, हमें पैसे की जरूरत नहीं है, आप स्कीम को एक साल और एक्सटेंड कर लो। आपने 2 इयर्स की जो स्कीम है, 2 इयर्स एंड हो गया, आज हम पैसे लेने आए, आप इसको रोल ओवर कर लो फॉर 1 मोर ईयर और 2 मोर ईयर। रोल ओवर सिंपली मीन्स एक्सटेंडिंग द वैलिडिटी ऑफ द स्कीम। रोल ओवर सिंपली मीन्स एक्सटेंडिंग द वैलिडिटी ऑफ द स्कीम, कि जो स्कीम की वैलिडिटी है, हमने टेन्योर बोला था ना, टेन्योर के टेन्योर 2 इयर्स है, उसको हम रोल ओवर करके 4 ईयर कर रहे हैं एंड में, तो रोल ओवर सिंपली मीन्स एक्सटेंडिंग द वैलिडिटी ऑफ द स्कीम। सर क्या रोल ओवर हो सकता है? यस, बाय पासिंग अ रेजोल्यूशन ऑफ मेजॉरिटी ऑफ शेयर होल्डर। शेयर होल्डर से उनका मतलब है यूनिट होल्डर, कि मेजॉरिटी यूनिट होल्डर है अगर कह देते हैं तो रोल ओवर हो जाएगा। सर बट ये तो गलत है, बट ये तो गलत है। सर गलत कैसे, यहां पे ये सब लोग हैं, आप सबका पैसा था 18 लाख रुपए मैं आपको देने आया, तो आप में से मेजॉरिटी बोली अरे सर आप रखो, आप रखो सर, आप साल भर ऑल इन्वेस्ट करो। यहाँ पे कुछ लोग बोल रहे हैं कि नहीं नहीं अरे हमें तो चाहिए, लेकिन मेजॉरिटी ने पास कर दिया कि सबका पैसा रोल ओवर हो जाएगा क्या? एकदम आराम से, यूनिट्स ऑफ क्लोज एंडेड स्कीम मे बी रोल्ड ओवर बाय पासिंग अ रेजोल्यूशन बाय मेजॉरिटी ऑफ द शेयर होल्डर एंड बाय प्रोवाइडिंग एग्जिट अपॉर्चुनिटी टू द वंस नॉट इंटरेस्टेड। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं, कि भाई साहब जिनको रोल ओवर नहीं कराना उनको एग्जिट अपॉर्चुनिटी, उनको आज रिडम्पशन हो जाएगा, फिर जिनको रोल ओवर करवाना है उन्हीं के पैसे के साथ म्यूचुअल फंड कंटिन्यू करेगा, बट दे नीड टू बी मिनिमम 51। अब अरे लिखने पे लग गए, सुन तो लो पहले कैसा है। आज की तारीख में मैंने क्या किया था, 1 लाख यूनिट्स इश्यू किए थे 10 रुपीज के, तो आप सब लोगों के पास मिला के 1 लाख यूनिट्स है। आज मैं आया, ठीक है, 30,000 जो 3,000 यूनिट्स होल्ड कर रहे हैं, 10,000 है उनमें जो 3,000 यूनिट्स होल्ड करते हैं, उन्होंने कहा अरे सर आप रोल ओवर कर लो कर लो कर लो, इन 70% का पैसा दे दो भले ही और हमारा रोल ओवर कर दो। मैं नहीं कर सकता रोल ओवर, मैं नहीं कर सकता सर। 40% कह रहे रोल ओवर कर दो, 40% का पैसा दे दो, ये भी कट रही है क्या, क्या रहता है 70% का पैसा दे दो रोल ओवर कर दो, नहीं कर सकता सर। ये 60% का पैसा दे दीजिए रोल ओवर कर लो, मैं नहीं कर सकता। मिनिमम कितने लोग फेवर में होने चाहिए, 51 मेजॉरिटी। मेजॉरिटी फेवर में है तब मैं रोल ओवर करके 49 वालों को प्ले में क्या कर सकता हूं, रिटर्न बैक कर सकता हूं। आर यू अंडरस्टैंडिंग? एक बार रीड करो ये वाला पॉइंट और ये पेन डाउन भी कर लो।
वापस बोलो एकदम आराम से, एकदम आराम से। नहीं नहीं आप समझिए कैसा है, कन्वर्जन एक चीज हो गई और ये एक चीज हो गई। कन्वर्जन क्या कहता है कि हमारा टेन्योर है 2 इयर्स का, 1 ईयर के बाद में हम आपको कन्वर्जन का ऑप्शन देंगे। तो आपका ऑप्शन रहेगा या तो आप क्लोज एंडेड बन जाओ, क्लोज एंडेड बने रहो और 1 ईयर हो चुका है, क्लोज एंडेड बने रहो और 1 साल और निकाल लो, ठीक है, या फिर आप अब क्या बन जाओ ओपन एंडेड। ओपन एंडेड का तो कोई टेन्योर ही नहीं होता है, क्लोज एंडेड का टेन्योर होता है, ओपन एंडेड का कोई टेन्योर ही नहीं होता है, क्योंकि कोई कंप्लीट ही नहीं है ना, आप जब चाहो बेच सकते हो, ऐसा। दैट इज कन्वर्जन, दैट इज वन थिंग। ये कह रहा है कि क्लोज एंडेड ही है, हमें कोई कन्वर्जन का ऑप्शन नहीं मिला था और हमारा टर्म खत्म हो चुका है। तो नाउ इफ बोथ, क्या चल रहा है, इफ एट ऑल, इफ एट ऑल बोथ, आई डोंट नो माइक का, चलिए जाने दो, इफ एट ऑल बोथ यूनिट होल्डर्स एज वेल एज द म्यूचुअल फंड अग्री करते हैं कि हाँ भाई सब चलो कंटिन्यू कर लेते हैं, मेजॉरिटी यूनिट होल्डर्स और एमसी अगर कंटिन्यू करना चाहते तो वो रोल ओवर कर सकते हैं, दैट इज दिस पॉइंट। तो रोल ओवर कुछ और है, रोल ओवर मतलब म्यूचुअल फंड को और एक्सटेंड कर सकते हैं और कन्वर्जन अलग है। कन्वर्जन में म्यूचुअल फंड में हम क्लोज एंडेड से ओपन एंडेड जा सकते हैं, ये एक पॉइंट। दोनों में डिफरेंस समझ रहा है क्या, एक कन्वर्जन है और एक एक्सटेंशन है, इधर आप रहेंगे क्लोज एंडेड ही रहेंगे। ये दूसरा पॉइंट हो गया जो आपको याद रखना चाहिए, ऊपर एक स्टार मार्क पॉइंट याद कराया, ये दूसरा स्टार मार्क पॉइंट एकदम आराम से। अब नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि आखिर कितने दिन के लिए सब्सक्रिप्शन ओपन रह सकता है। ध्यान से मुझे एक बार बताओ, मैंने आपको पढ़ाया था इन आईसीडीआर रेगुलेशन के इश्यू कितने समय के लिए ओपन रहना चाहिए, मिनिमम 3 मैक्सिमम 10, और वही अगर राइट इश्यू हुआ तो बिल्कुल सिंपल है। चलो अब यहां पे बात करते हैं कि सर म्यूचुअल फंड का सब्सक्रिप्शन कितने समय के लिए ओपन रहना चाहिए। नो स्कीम अदर देन इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, नो स्कीम अदर देन इक्विटी स्कीम, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम कैन बी ओपन फॉर सब्सक्रिप्शन फॉर मोर देन 15 डेज। के भाई साहब इसको छोड़ दो, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम को छोड़ के अगर कोई भी स्कीम अगर आपने ओपन की है तो वो 15 डेज से ज्यादा के लिए ओपन नहीं रहनी चाहिए, ठीक है। सर आगे क्या बोल रहे हैं देखते हैं, फर्दर द मिनिमम सब्सक्रिप्शन इन द एक्सटेंट ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन दैट इज इंटेंडेड टू बी रिटेन्ड शुड बी स्पेसिफाइड इन द ऑफर डॉक्यूमेंट। ऑफर डॉक्यूमेंट आपको मिनिमम सब्सक्रिप्शन लिखना होगा। सर वो 90% वो तो कंपनी लॉ कहता है शेयर्स के लिए, म्यूचुअल फंड रेगुलेशन बताता नहीं कि कितना होना चाहिए, लेकिन वो कहता है कि आपको ऑफर डॉक्यूमेंट में लिखना होगा कि मिनिमम इतना तो मिलना ही चाहिए। आपको 80% लिखना है, आप 80% लिखो, मिनिमम सब्सक्रिप्शन हैज टू बी स्पेसिफाइड इन द ऑफर डॉक्यूमेंट, ठीक है। एंड द एक्सटेंट ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन दैट इज इंटेंडेड टू बी रिटेन्ड, और मान लो ओवर सब्सक्रिप्शन आ गया, कंपनी लॉ कहता है, स्ट्रिक्ट कहता है कि ओवर सब्सक्रिप्शन आ गया तो कुछ नहीं, आपने जितना प्लान किया आप उतना ही अलॉट करेंगे। म्यूचुअल फंड वैसा नहीं कहता है, अरे ज्यादा लोगों का पैसा आ गया ना तो रख लो, लेकिन आप कितना ज्यादा रखने वाले हैं ये भी आपको ऑफर डॉक्यूमेंट में बताना है। ध्यान से समझो, पहला पॉइंट क्या बताया कि कोई भी म्यूचुअल फंड का यूनिट है एक्सेप्ट इक्विटी लिंक्ड, इक्विटी लिंक को छोड़ दो, उसके अलावा कोई भी म्यूचुअल फंड का, कोई भी म्यूचुअल फंड का ऑफर है वो मैक्स, वो उसका सब्सक्रिप्शन होना चाहिए फॉर मोर, नो स्कीम अदर देन इक्विटी सेविंग स्कीम कैन बी ओपन फॉर सब्सक्रिप्शन फॉर मोर देन 15 डेज। तो मैक्सिमम 15 डेज के लिए आपका सब्सक्रिप्शन ओपन रह सकता है, पहली चीज ये सीखी। दूसरी चीज हमने सीखी कि साथ में ऑफर डॉक्यूमेंट में होना चाहिए मिनिमम सब्सक्रिप्शन, कि कम से कम इतना तो आना ही चाहिए। साथ में ऑफर डॉक्यूमेंट में होना चाहिए कि अगर हायर सब्सक्रिप्शन आ गया, अगर हायर सब्सक्रिप्शन आ गया तो कितना हम रिटेन कर लेंगे, ये भी ऑफर डॉक्यूमेंट के अंदर होना चाहिए, ये भी ऑफर डॉक्यूमेंट के अंदर होना चाहिए। आर यू अंडरस्टैंडिंग? आगे देखते हैं, इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन All applicants applying up to 5,000 units must be given full allotment subject to over subscription. My God, ये क्या कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए आपका हो गया over subscription, over subscription का मतलब समझिए, हमने बोला था कि 1 लाख units हमको issue करने, फिर हम एक और चीज बोल सकते हैं ना कि over subscription में कितने आ गए तो हम रख लेंगे, हमने वो भी बोल दिया 1,20,000 आए तो हम रख लेंगे, 1,20,000 आए तो रख लेंगे, और मिनिमम भी बताना है 80,000 तो मिनिमम चाहिए ही चाहिए, कि 80,000 से कम आए तो एक भी पैसा नहीं रखेंगे, सब रिफंड करेंगे। तो हमने ये 3 चीजें बतानी होती है, एक हम यूनिट कितना इशू करना चाहते हैं, मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या है, और मैक्सिमम कितने तक हम रख लेंगे, ये 3 चीजें बतानी है। अरे हुआ क्या, वन लाख 50,000 यूनिट के लिए आ गया एप्लीकेशन, एप्लीकेशन कितने के लिए आ गया, 1,50,000 यूनिट के लिए एप्लीकेशन आ गया।
The question is now what to do? Law says all applicants applying up to 5,000 units must be given full allotment subject to over subscription. एकदम आराम से इनके कहने का क्या मतलब है कि यार जो भी व्यक्ति 5,000 यूनिट्स के लिए अलॉट एप्लीकेशन दे रहा है आपने कोशिश करनी है कि उसको तो आप 5,000 दे ही से. अगर मान लो मैंने 6,000 के लिए अप्लाई किया है तो अगर आप चाहो ना कि इसको कम देंगे आप दे सकते हो, बट हर एक व्यक्ति इसने 5,000 के लिए एप्लीकेशन दिया है उसको तो दो ही सही. सर लॉजिक क्या है? लॉ कहना चाहता है कि ये ना हो जाए कि बड़े बड़े QIBs ये बड़े बड़े इन्वेस्टर यही सारे म्यूचुअल फंड की यूनिट्स खरीद लें, कि एक व्यक्ति ने खुद नहीं ये 1,00,000 में से 25,000 के लिए तो उसी ने एप्लीकेशन दे दिया, 25,000 के लिए उसी ने एप्लीकेशन दे दिया तो आपने उसको अलॉटमेंट कर दिया. नहीं, प्रेफरेंस प्रायोरिटी किसको दी जाएगी? 5,000 यूनिट्स या उसके नीचे जिसने अप्लाई किया है, कि जिन्होंने छोटे मोटे एप्लीकेंट हैं उनको पहले दे दो, उनको पहले दे दो और उसके बाद में जो बड़े वाले बचे हैं उसके अंदर आप प्रोरेटा वगैरह जो करना है आपको करो. तो आप हमेशा प्रायोरिटी देंगे टू द वंस हु हैव अप्लाइड फॉर 5,000 और लेस अप टू 5,000. पॉइंट समझ रहा है क्या है? कि मान लो 1,50,000 के एप्लीकेशंस आ गए तो सबसे पहले 5,000 वालों को दे देंगे, कोशिश करेंगे आप कि 5,000 वालों को दे दें, फिर जो बचे उनमें फिर आप प्रोरेटा वगैरह कराते रहिए. प्रायोरिटी हैज टू बी गिवन टू पीपल हु हैव अप्लाइड फॉर अप टू 5,000 यूनिट्स. ठीक है सर? सर ये तो बहुत सारी बातें बोल गया. ठीक है, देखते हैं ये पॉइंट क्या कह रहा है. सबसे पहला कि अगर सर हमारी इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम है तो रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो आप लंबे टाइम तक भी ओपन रख सकते हैं. लेकिन अगर आपकी इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम नहीं है तो आपका सब्सक्रिप्शन ओपन रह सकता है मैक्सिमम 15 डेज. वन चीज खत्म. तीन चीजें पढ़ाई इस पॉइंट में. पहली चीज हो गई, पहली चीज समझ में आई है कि नॉर्मल का सब्सक्रिप्शन मैक्सिमम 15 डेज. दूसरा पॉइंट इसने समझाया कि ऑफर डॉक्यूमेंट में तीन चीजें होनी चाहिए, जितने शेयर्स आप इशू कर रहे हैं, जितने यूनिट्स आप इशू कर रहे हैं, मिनिमम सब्सक्रिप्शन एंड मैक्सिमम सब्सक्रिप्शन विच विल बी रिटेन्ड. कि भाई इतना भी आया तो ये हम रख लेंगे, तो मैक्सिमम सब्सक्रिप्शन विच शैल बी रिटेन्ड ये भी मेंशन करना है. और लास्ट बताया कि जब भी एप्लीकेशन आई है 5,000 यूनिट्स तक जिन्होंने अप्लाई किया उनको प्रायोरिटी देंगे अलॉटमेंट के अंदर. तीन पॉइंट क्लियर है? ठीक है सर, थोड़ा थोड़ा चल रहा है. ओके, दो पॉइंट बचे हैं, उसके बाद में वापस चार मार्क पॉइंट्स पे वैसे मैं वापस आऊंगा. The AMC is required to refund the application money if minimum subscription is not received and also the excess over subscription within 5 working days of closure of subscription. ये क्या कह रहे हैं कि आपका जो refund का काम है वो कितने दिन में हो जाना चाहिए? Within 5 working days. Refund कब होता है? दो केसेस में. अगर हमने 80,000 का जो example लिया था, 80,000 के application ही नहीं आए, 75 ही आए, तो एक एक पैसा refund करना होगा. ये भी कर दो. हमने 1,20,000 तक बोला था रख लेंगे, 1,50,000 आ गया तो 30,000 यूनिट्स का पैसा तो रिफंड करना होगा ना. ये रिफंड कर दो. ये पूरा जो रिफंड का प्रोसेस है, दिस हैज टू बी डन विद इन 5 वर्किंग डेज. इजी है? लास्ट, अ क्लोज एंडेड स्कीम शैल बी वाउंड अप ऑन रिडम्पशन डेट. जब रिडम्पशन की डेट आएगी, रिडम्पशन डेट का मतलब क्या है? आज क्लोज एंडेड स्कीम में हमने इशू की 2 years का टेन्योर रखा. क्लोज एंडेड स्कीम हमने इशू की, टेन्योर कितना रखा? 2 years का टेन्योर रखा. 2 years खत्म होते ही क्या होगा? वाइंडिंग अप. वाइंडिंग अप हो जाएगा, डीम्ड वाइंडिंग अप, मान लिया जाएगा वाइंडिंग अप हो रहा है. अनलेस इट इज रोल्ड ओवर. अनलेस आपने रोल ओवर कर दिया. अरे कुछ बता ही नहीं रहे लोग, गधे आप लोग, ऐसे क्या सुन रहे हो? आज अगर हमने क्लोज एंडेड स्कीम इशू किया, बोला था कि 2 years का है, जब 2 year खत्म होगा तो क्या माना जाएगा? वाइंडिंग अप कर रहे हैं आज, आपको आपका पैसा वापस मिल रहा है. अनलेस इट इज रोल्ड ओवर. रोल ओवर का मतलब क्या होता है? एक्सटेंशन. या तो मैं एक्सटेंड कर रहा हूं, वाइंडिंग अप कर रहा हूं ना, ठीक है. और इफ 75% ऑफ द यूनिट होल्डर ऑफ अ स्कीम पासेस अ रेजोल्यूशन फॉर वाइंडिंग अप ऑफ द स्कीम. इसका कहना है कि ठीक है, एक और केस में वाइंडिंग अप हो सकता है. पहला बताया वाइंडिंग अप कब होगा? टेन्योर खत्म होने पे. दूसरा, अभी तक टेन्योर खत्म नहीं हुआ है, हमारा 2 years का टेन्योर था, 1 साल के बाद ही यूनिट होल्डर इकट्ठा हुआ है. और कितने? 75% यूनिट होल्डर ने कह दिया दैट यूनिट हैज टू बी, दैट दिस म्यूचुअल फंड हैज टू बी वाउंड अप. तो अगर 75% यूनिट होल्डर साथ में आके कहते हैं वाइंडिंग अप, तो भी आपको वाइंडिंग अप करना होगा, भली आपका टेन्योर खत्म नहीं हुआ है. ये दो केसेस में वाइंडिंग अप हो सकता है. ठीक है, इफ द ट्रस्टीज ऑन द हैपनिंग ऑफ एनी इवेंट रिक्वायर द स्कीम टू बी वाउंड अप, या फिर ट्रस्टीज रिक्वायर द यूनिट्स टू बी वाउंड अप. ट्रस्टीज कह रहे हैं कि इतना बुरा हो गया, ये हो गया, अब द म्यूचुअल फंड हैज टू बी वाउंड अप. ठीक है, और इफ सेबी सो डायरेक्ट्स इन द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर. एकदम आराम से, अ क्लोज एंडेड स्कीम शैल बी वाउंड अप ऑन रिडम्पशन डेट.
रिडम्पशन डेट पे वाउंड अप होगी, ये तो एक एक्सेप्शन आ गया ना, अनलेस इट इज रोल्ड ओवर, रोल ओवर हुआ तो नहीं होगा, अदरवाइज तो वाइंड अप हो जाएगा, ठीक है। और इफ 75% ऑफ द यूनिट होल्डर ऑफ स्कीम पासेस द रेजोल्यूशन फॉर वाइंडिंग अप, ठीक है, इफ द ट्रस्टी ऑन हैपनिंग ऑफ एनी इवेंट रिक्वायर द स्कीम टू बी वाउंड अप, यहाँ पे भी और है समझ लो, और इफ सेबी सो डायरेक्ट्स इन द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर, मतलब कितने केसेस में वाइंडिंग अप हो रहा है अगर मैं यहां समझने की कोशिश करूं, वन क्या है सर, ड्यू डेट खत्म हो गया ना, टेन्योर, क्लोज एंडेड स्कीम का टेन्योर होता है सर, टेन्योर खत्म हो गया। दूसरा, अरे सर सब शेयर सब यूनिट होल्डर आ गए और 75% की मेजोरिटी से क्या बोला, वाइंड अप कर दो, ठीक है सर, या फिर ट्रस्टीज ने ऑन हैपनिंग ऑफ सम इवेंट कह दिया कि अब तो वाइंड अप कर दो, और लास्ट किसने बोल दिया, सेबी ने कह दिया वाइंडिंग अप कर दो। ये चार केसेस है जहां पे म्यूचुअल फंड हो जाएगा वाउंड अप एकदम आराम से। हम क्या पढ़ रहे हैं, हम रेगुलेशन के कुछ ग्लिम्स पढ़ रहे हैं, रेगुलेशन में कुछ जो इंपॉर्टेंट बातें बताई गई है वो यहां पे पढ़ रहे हैं, उसमें हमने कुछ पॉइंट्स को स्टार मार्क किया एकदम आराम से, जो स्टार मार्क पॉइंट्स है वो आपको ध्यान रखना अनिवार्य है। अब हम शॉर्टलिस्ट करेंगे डिस्कशन और सिर्फ स्टार मार्क की बात करेंगे। आपने क्या करना है, आपने स्टार मार्क का जो फर्स्ट पॉइंट है वो रीड करना है और देखना है कि आपको इंटरप्रिटेशन समझ रहा है या नहीं। समझ में आ रहा है फर्स्ट वाला, कुछ भी आपत्तिजनक तो नहीं लग रहा है, एकदम आराम से देख लो जो लोग देख रहे हैं। थैंक यू। चलिए प्रीटी इजी, एकदम आराम से सारे, कुछ भी नहीं लिखा है सर, ये बोला है कि अगर क्लोज एंडेड है ना तो उसको कंपल्सरीली लिस्टेड होना है विद इन 6 मंथ सर, लेकिन चार एक्सेप्शन है, अगर मंथली इनकम का प्रोविजन है या फिर वुमेन के लिए या फिर चिल्ड्रन के लिए या सीनियर सिटीजन के लिए या फिजिकली हैंडीकैप के लिए, इनमें से किसी के लिए भी स्पेसिफिकली स्कीम बनाई है तो लिस्टिंग नहीं करानी है। अगर वो पहले से पीरियड बताती है कब वो रिडीम करने वाली है तब भी नहीं करना है सर, अगर 6 मंथ्स के अगर अंदर रिडीम हो रही तो भी नहीं करना है, कैपिटल प्रोटेक्शन ओरिएंटेड स्कीम है तो भी नहीं करना है। इन चार केसेस में एग्जम्पशन आ गया, अभी क्लियर, वेरी इजी डन। सेकेंड स्टार पॉइंट्स ही पढ़ रहे हैं हम एकदम आराम से, आप अकेले में रीड करेंगे आपको समझ रहा है नहीं है, देखिए बस सिंपल राइट, यूनिट्स ऑफ क्लोज एंडेड स्कीम में बी रोल्ड ओवर बाय पासिंग अ रेजोल्यूशन बाय मेजोरिटी ऑफ द शेयर होल्डर। अरे मेरी बात को समझना, ओपन एंडेड में कभी टेन्योर नहीं होता। अरे ओपन एंडेड में आपने जब खरीद लिया आपको जब बेचना तब आप बेचोगे ना, तो टेन्योर तो होता ही नहीं है। क्लोज एंडेड में टेन्योर होता है क्योंकि वो आपको बताएंगे तो कि हम आपको पैसा कब वापस देने वाले हैं, तो क्लोज एंडेड के अंदर टेन्योर होता है, ओपन एंडेड में टेन्योर नहीं होता। सिंपल है, चलो तो ये कह रहे हैं क्लोज एंडेड स्कीम जो है ना उसका टेन्योर खत्म हो जाएगा तो खत्म हो गया, लेकिन अगर आप चाहो तो रोल ओवर भी कर सकते हो विद मेजोरिटी ऑफ 51 विथ मेजोरिटी मीन्स मेजोरिटी, ठीक है, एंड उसके अंदर भी जो लोग 51 में नहीं भी आ रहे भाई साहब उनको उनका पैसा मिलेगा, एग्जिट अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, कंपलसरी नहीं होगा सब पे के रोल ओवर हो रहा है। चलो ये वाला पॉइंट अकेले पढ़ने की कोशिश करो, इसके अंदर 3 पॉइंट है, सबको इंटरप्रेट करने की कोशिश करो, कहीं कोई तकलीफ आ रही तो बोलो। चलिए इसे देखते हैं क्या है, 3 पॉइंट पढ़े, सबसे पहला पॉइंट क्या कह रहा है, यहां से लेकर यहां तक
सिर्फ ये फर्स्ट पॉइंट को रीड करो, क्या समझ में आ रहा है, क्या क्या कहने की कोशिश कर रहा है? नो स्कीम अदर देन इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम कैन बी ओपन फॉर सब्सक्रिप्शन फॉर मोर देन 15 डेज. मतलब ओनली इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम कैन बी ओपन फॉर सब्सक्रिप्शन फॉर मोर देन 15 डेज. उसके अलावा हर एक का 15 डेज से कम चाहिए साफ सब्सक्रिप्शन पीरियड. तो सिर्फ इक्विटी लिंक्ड इसका 15 डेज से ज्यादा हो सकता है, उसमें कोई लिमिट नहीं रखी यहाँ पे. बाकी अगर कोई से है तो भाई साहब 15 डेज से कम, 15 से कम 10 डेज जितना आपको रखना है रखिए, बट 15 से कम रखना है अदर देन इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम. फर्स्ट पॉइंट सबका क्लियर है, चलो कोई तकलीफ नहीं है. सेकेंड क्या कह रहा है, यहां से तक रीड कर लो एक बार अकेले में, सिर्फ सेकेंड पॉइंट. सिंपल एंड डन है, कुछ भी नहीं कह रहा है. ये कह रहा है कि भाई साहब आपको ऑफर डॉक्यूमेंट के अंदर जितने यूनिट्स इश्यू कर रहे हो, मिनिमम सब्सक्रिप्शन और साथ में मैक्सिमम सब्सक्रिप्शन शेयर्स यूनिट यू विल रिटेन, ये तीन चीजें देनी है. जैसे कि हम इशू कर रहे हैं 1 लाख यूनिट्स, तो भाई 80,000 तो मिनिमम है हमारा, इतना चाहिए, नहीं तो पूरा का पूरा यूनिट्स हम वापस पैसे दे देंगे. और 1,20,000 भी तक है तो हम रख सकते हैं, हम रख सकते हैं. ये सारी चीजें वहां पर आपको डिस्क्लोज करनी है. समझ में आ रहा है, सिंपल एंड ईजी. चलिए लास्ट, इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन ऑल दी एप्लीकेंट्स अप्लाइंग अप टू 5,000 यूनिट्स मस्ट बी गिवन फुल अलॉटमेंट सब्जेक्ट टू ओवर सब्सक्रिप्शन. इसका मतलब क्या है, सिंपल समझिए. एक काम करो, सिर्फ यहां तक सब्जेक्ट टू ओवर सब्सक्रिप्शन भी कट कर दो, सब्जेक्ट टू ओवर सब्सक्रिप्शन कट कर दो, और उस लाइन को वापस एक बार पढ़ो और ईजी हो जाएगी वो लाइन आपके लिए, क्योंकि ओवर सब्सक्रिप्शन पहले भी उन्होंने लिखा है तो बाद में नहीं भी पढ़ेंगे तो आपको चलेगा. इस लाइन का सिंपल इंटरप्रिटेशन इतना सा है कि जब भी ओवर सब्सक्रिप्शन होगा तो भाई साहब जिन लोगों ने 5,000 या उससे कम के लिए एप्लीकेशन दिए उनको फुल अलॉटमेंट होगा, और बचे हुए लोगों में सर फिर आप प्रोरेटा करो. भले ध्यान से समझो इसका क्या है कि अगर कभी ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ है, 1,50,000 के लिए एप्लीकेशन आ गई, हमें अलॉट 1 लाख ही करना है, अब क्या करेंगे? हर व्यक्ति जिसने 15 के लिए एप्लीकेशन दिया उसको 10 देंगे, प्रोरेटा जो आप करते थे वैसा करेंगे. लेकिन अगर एक व्यक्ति ने 4,000 के लिए एप्लीकेशन दिए तो उसके ऊपर प्रोरेटा मत करो, उसको दे दो फुल सब्सक्रिप्शन, फुल अलॉटमेंट दे दीजिए. तो जिस व्यक्ति ने 5,000 या उससे कम के लिए एप्लीकेशन दिया है उसको फुल अलॉटमेंट कर देंगे. आर यू अंडरस्टैंडिंग? अब ध्यान से जो एनवे मैंने कट करा है सब्जेक्ट टू ओवर सब्सक्रिप्शन, उसका मतलब क्या समझो. अगर बहुत डीप जाना चाहेंगे, सर व्हाट इफ सभी लोग ऐसे हैं जिन्होंने 5,000 से कम दिया है, आप सबको तो अलॉटमेंट करने का बोल रहे हो सर आप, सब्जेक्ट टू ओवर सब्सक्रिप्शन. कि अब अगर आप इन सबको अगर 5,000 भी अलॉट कर रहे हो तो भी क्या हो रहा है, ओवर सब्सक्रिप्शन हो रहा है, तो मजबूरन आपको उनके अंदर प्रोरेटा करना ही होगा. दैट इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ सब्जेक्ट ओवर सब्सक्रिप्शन. लेकिन वहां आपको जाना ही नहीं है, वो आपको एक बार समझ में आएगा जिनके दिमाग में डाउट आ रहा होगा. बाकी सिंपल तरीके से समझना है कि अगर ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ है, अगर ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ है तो हर एक व्यक्ति जिसने 5,000 यूनिट्स तक के लिए अप्लाई किया उसको फुल अलॉटमेंट देने की कोशिश की जाएगी. आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो दिस इज दिस चार पॉइंट के तीनों पॉइंट. एक बार अकेले में थर्ड पॉइंट रीड कर लो, नहीं समझ रहा है तो मुझसे पूछो, वापस डिस्कस कर लेंगे, कोई तकलीफ नहीं है. डन है, शांति प्रिय एकदम, कोई तकलीफ नहीं है. चलो लास्ट चार मार्क पॉइंट रीड करेंगे अकेले में, चार केसेस जिसके अंदर स्कीम की वाइंडिंग अप हो जाती है. अंडरस्टैंडिंग? सिंपल है, चलो एकदम आराम से. अब यहाँ पे हमारे म्यूचुअल फंड रेगुलेशन होता है खत्म, एकदम सिंपल तरीके से म्यूचुअल फंड रेगुलेशन यहाँ पे हमारा खत्म होता है. अब बात करते हैं म्यूचुअल फंड रेगुलेशन में जो अभी तक हमने म्यूचुअल फंड के चैप्टर के अंदर हमने अभी तक टोटल एग्रीगेट में पढ़ा, बट उसके पहले मैं कुछ लोगों से कुछ सवाल पूछ लेता हूँ और फिर आगे बढ़ेंगे. चलिए
समझ ही नहीं आता, आप लोग बड़े स्मार्ट हो गए। चलिए, यस मैम, आप यप मुझे बता दीजिए सिंपल तरीके से म्यूचुअल फंड के एडवांटेजेस और रिस्क इन्वॉल्व। देर आर 7 पॉइंट्स ऑफ एडवांटेजेस, देर आर 5 पॉइंट्स ऑफ रिस्क इन्वॉल्व। वेरी गुड, हाँ जी, ट्रांसपेरेंसी, वेरी गुड। याद करने का सीक्वेंस रखो मैम, कोशिश करो कैसे याद करो, ये पांच के पांच थे तो ये पांच 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 बैक टू बैक याद है, फिर दो एक्स्ट्रा गरीब पॉइंट जो थे। वेरी गुड, आपने मुझे क्या बता दिया, प्रोफेशनल मैनेजमेंट बता दिया, लिक्विडिटी ट्रांसपेरेंसी बता दिया। चलिए, कल दो बार लिख के लाएंगे मैम, दो बार तो लिख के लाएंगे। चलो, नाम क्या मैम आपका? पल्लवी, 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 पल्लवी। चलिए, यस मैम, यही आंसर, एडवांटेज और रिस्क इन्वॉल्व फटाफट से बोलेंगे आप। सच इज लाइफ मैम। कन्वीनियंट एडमिनिस्ट्रेशन, बट इट्स ओके कन्वीनियंट। वेरी गुड, एक बच गया बस। वेरी गुड, रिस्क इन्वॉल्व के पांच पॉइंट, अनअकाउंटेबल फॉर पूर परफॉर्मेंस, हाई ब्रोकरेज एंड कमीशन, ठीक है। डाइवर्सिफिकेशन, बिकॉज क्यों होते हैं एवरेज रिटर्न, ओके, दो पॉइंट मिक्स किया आपने, कोई बात नहीं। फोकस शिफ्ट होने वाला पॉइंट क्या है बोल दीजिए, एवरेज रिटर्न एक पॉइंट हो गया, ब्लू चिप से एवरेज रिटर्न वाला पर लिंक कर सकते हैं आप, इन्वेस्टमेंट इन ब्लू चिप सिक्योरिटीज रिजल्ट्स इन गिविंग एवरेज रिटर्न, ठीक है। एंड नाउ फोकस शिफ्ट होने वाला पॉइंट दूसरा है बोल दीजिए, लास्ट, एक्सेसिव डाइवर्सिफिकेशन, एक्सेसिव डाइवर्सिफिकेशन रिजल्ट्स इन लूजिंग फोकस ऑन सिक्योरिटीज ऑफ की सेगमेंट। चलिए, ओके, अब तूफान किसके साथ खेलेंगे हम, चलो, यस सर, हाँ हो गया, पकड़ लिया, क्या करें। स्पेशल स्कीम, स्पेशल स्कीम म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड की बहुत सारी स्कीम्स होती है, उनमें से एक है स्पेशल स्कीम म्यूचुअल फंड। नहीं याद आ रहा, नाम बताएंगे, रजनी, आदित्य, आदित्य, अजिंक्य, क्या हाँ अजिंक्य, कितनी बार यार, चलो दो बार ही लिख लेना, स्पेशल स्कीम चार बार लिख लो यार, अरे बहुत छोटा सा इसलिए, बाकी कुछ नहीं। चलो, हाँ मैडम, स्पेशल स्कीम म्यूचुअल फंड, यस, ओके, वेरी गुड, एकदम आराम से। स्पेशल स्कीम म्यूचुअल फंड याद आ रहा है ना, कि जो रेप्लिकेट करते हैं तो स्पेशल इंडेक्स सेंसेक्स निफ्टी में इन्वेस्ट करेंगे, या फिर एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री है, स्पेसिफिक सेक्टर। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया, ज्यादा तंग नहीं करेंगे आपको, एक जगह पे और फोड़ेंगे बस। कौन तूफान है यहाँ पे, अपने क्या करें, एकदम आराम से। चलो, यस सर, आप बीच में एकदम आराम से। एक्सपेंस रेशियो के लिमिट्स बता दो मुझको बस, फ्लिपिंग करो, चलो जो मुझे फ्लिप करता हो पकड़े, अब मैं आपसे पूछूंगा, करो करो फ्लिपिंग, एक और कर लो,
सबसे पहले वाले पे कितना है? चलो एक काम करना, हाँ आप सबसे पहले बीच वाले, आप नाम बताइए। निलेश, एन से निलेश। चलो अब इधर वाले नाम बताइए। अरे हाँ जिंदगी में साथ में आए, साथ में प्रवीण। यस अब आप गलत लोगों के साथ बैठे हो, आप भी नाम बताओ, नाम बोलो। जफ्फार। नाम क्या है? गफ्फार रफ्तार, क्या नाम है इसका? गोपाल। अरे ओपा, गोपाल, ठीक है ना। चलो तीनों लोग दो दो बार लिख के लाना, ठीक है ना, ध्यान से, ठीक है। आपने तो कोशिश की, देखो आप तो पूछ नहीं सकते गलती क्या, वो पूछ सकते हैं गलती क्या गोपाल, ठीक है ना, उनका हक बनता है। क्या बोल रहे हो, दोस्त को बताना तो सही है? नहीं, अरे नहीं, मैं उनसे वापस सेकंड टाइम जब पूछ रहा था, फर्स्ट वाला क्या था तब आपने बोलने की कोशिश की बहुत, आपको पता है, छोड़ो ना, कोई बात नहीं, आपने कुछ नहीं किया, गलत जगह बैठे हो आप। चलो यस, इसके बाद में आपको तंग नहीं करेंगे बिल्कुल भी, यहाँ पर रुक जाएंगे। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और उसके बाद में हम रिविजन करेंगे। यस सर, आप ठीक है ना। ऑफर डॉक्यूमेंट में इट इज इश्यूड इन टू पार्ट्स, वो दोनों पार्ट्स के नाम बताइए और उसके हर एक के कंटेंट के तीन तीन पॉइंट, बस दैट्स इट। और सिड, ठीक है, सिड का फुल फॉर्म कभी कभी ऐसे सोचते, मैंने अर्थ का रेडियस पूछ लिया, ऐसा क्या है इसमें, एक बार याद किया हो, याद रहना चाहिए, नहीं आएगा ना। यस सर, नाम बताएंगे। अक्षय, और आपके पास वाले का? मस्ती मत करो। ठीक है, दो दो बार लिख के लाएंगे सिड और साई के सारे कंटेंट्स, ठीक है, एकदम आराम से। अच्छी, चलो लास्ट। मैम आपने लेक्चर अटेंड किए थे, नहीं किए थे आपने? कितने दिन से छुट्टी पे आप? ऐसे सारे लेक्चर अटेंड कर रहे हो, ग्रुप टू के पूरे अटेंडेड? अब एक्सपेंस वाला छूट गया था, ठीक है। फैक्ट शीट वाला, फैक्ट शीट वाला, यू डोंट रिमेम्बर, ओके। चलो यस मैम, आप फैक्ट शीट के कंटेंट्स बताएंगे पांच, ओके। एकदम आराम से पहले सोचो फैक्ट शीट क्या होता है, उसको कितने पीरियोडिकली दी जाता है, उसके अंदर क्या रहता है, और उसके पांच कंटेंट, शांति से, कोई तकलीफ नहीं। पहले आपने बता दिया एनएवी, वेरी गुड। स्टाइल बॉक्स, जो पता भी नहीं क्या होता है, याद है, पॉइंट मार्क्स मिलेंगे बिल्कुल, स्टाइल बॉक्स, एनएवी, पास परफॉर्मेंस, ओके, वेरी गुड, ठीक है, और बोलो। और सारे आपने थोड़े थोड़े कम बोले, एनएवी एंड एयूएम, एक्सपेंस रेशियो, एग्जिट लोड, एवरेज मेच्योरिटी, वाईटीएम वगैरह सारे पॉइंट्स होते हैं। पास परफॉर्मेंस परफेक्ट है, स्टाइल बॉक्स परफेक्ट है, रिस्क के अंदर और मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट वगैरह वगैरह भी आप बोल सकते हैं, बट इट्स ओके। तो फोकस करिए एकदम ध्यान से, नाउ वी आर हिटिंग टुवर्ड्स रिवीजन। चलो ये यहीं पर है, आप लोग कल लेकर आए, मैम आप आज दिखा के जाएंगे मुझको आपने जो कल लिख कर लाए, ठीक है ना। चलिए अदरवाइज आप लोग कल नहीं लाएंगे तो फिर वो मल्टीप्लाई होंगे, बाकी प्यार मोहब्बत से दो बार लिखना है, लिखोगे तो याद हो जाएगा। नहीं नहीं, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा, आपको लिख के लाना है, ठीक है ना। क्या वो आप बोलना चाह रहे हो क्या? बोले नहीं, ऊपर वाला देख रहा है, उसके कान में तो आप आधे घुस चुके थे जब मैंने उस तरफ देखा। कैसी बातें कर रहे हो आप? आप उनको कुछ और कह रहे होंगे बट गलत समय पे कह रहे थे, छोड़ो। चल क्या रहेगा, कोई बात नहीं, वो आगे बैठे ना, संगत चेंज कर ली, फायदे में है ना। चलो वेरी स्मार्ट किड।
चलिए अब पढ़ाई पे फोकस करेंगे. यस वी गेटिंग बैक टुवर्ड्स रिवाइजिंग म्यूचुअल फंड. हमारा टारगेट ये है वापस कि अगली बार जब मुझे चैप्टर देखना है यहाँ पे, अगली बार जब चैप्टर देखना है उसके पहले वीडियो देख ले मैं हम, जिससे कि मैं पूरे शिद्दत से चैप्टर याद रह जाए जितना भी हमने देखा है, ताकि उसके बाद में हमें एडिशनल चीजें जो पढ़नी है वो पढ़नी रहे, बट चैप्टर की सारी चीज हमें याद रहनी चाहिए, नॉट जस्ट रीडिंग, हमें याद रहनी चाहिए. चलिए सब लोग यहाँ पे उसी जोश के साथ कोशिश करेंगे याद ही हो जाए. सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ा, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा कंसेप्ट है म्यूचुअल फंड. फिर आए हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ म्यूचुअल फंड. म्यूचुअल फंड में अंदर सबसे पहले कौन आता है? स्पॉन्सर. स्पॉन्सर जरूरी है क्या एक ही व्यक्ति हो? नहीं. स्पॉन्सर अपॉइंट्स ट्रस्टी, अपॉइंट्स एएमसी, देयर आफ्टर एएमसी अपॉइंट ऑल द अदर रिक्वायर्ड रजिस्ट्रार, ऑडिटर, कस्टोडियन, जितने भी बच्चे हुए लोग हैं उनको एएमसी अपॉइंट करेगा. वेरी गुड. देन कम्स एनालिसिस ऑफ म्यूचुअल फंड. म्यूचुअल फंड देयर आर सर्टेन एडवांटेजेस, देयर आर सर्टेन रिस्क इन्वॉल्व. एंड हमने कुछ इस तरह से याद किया था, कोई बात नहीं, हमने कुछ डिसएडवांटेजेस भी आएंगे तो आप रिस्क इन्वॉल्व ही लिखेंगे. हमने कुछ इस तरह से याद किया था कि सबसे पहले एडवांटेजेस के पांच पॉइंट कौन से थे? प्रोफेशनल मैनेजमेंट, डाइवर्सिफिकेशन, कन्वीनियंट एडमिनिस्ट्रेशन, रिटर्न पोटेंशियल, लो कॉस्ट, लिक्विडिटी, ट्रांसपेरेंसी. लिक्विडिटी और ट्रांसपेरेंसी तो गरीब से पॉइंट, ये पांच पॉइंट तबियत के. अब हमारे रिस्क इन्वॉल्व, तो हरेक का काउंटर पॉइंट है. प्रोफेशनल मैनेजमेंट अन अकाउंटेबल फॉर पुअर रिजल्ट. कन्वीनियंट एडमिनिस्ट्रेशन पुअर प्लानिंग. रिटर्न पोटेंशियल म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट इन ब्लू चिप सिक्योरिटीज विच रिजल्ट्स इन गिविंग एवरेज रिटर्न. डाइवर्सिफिकेशन, एक्सेसिव डाइवर्सिफिकेशन रिजल्ट इन लूजिंग फोकस ऑन सिक्योरिटीज ऑफ की सेगमेंट. लो कॉस्ट, हाई पेमेंट ऑफ ब्रोकरेज एंड कमीशन. याद आ रहा है क्या हमको? चलिए फिर हमारा आता है टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड, ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड. मॉड्यूल ने सिर्फ तीन पॉइंट दिए, ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड. ओपन एंडेड कैन बी परचेज ऑन एनी ट्रांजेक्शन डे, कैन बी रिडीम्ड ऑन एनी ट्रांजेक्शन डे, हाई लिक्विडिटी. और यहाँ पे क्लोज एंडेड कैन बी परचेज ओनली ड्यूरिंग NFO. न्यू फंड ऑफर हो रहा है तभी हम परचेज कर सकते हैं. कैन बी रिडीम्ड ओनली एट मैच्योरिटी. एंड लास्ट कम्स लो ऑन लिक्विडिटी. अरे मेरी बात को समझो, ये एक्चुअली लो ऑन लिक्विडिटी नहीं है, लेकिन कंपैरेटिवली ये लो ऑन लिक्विडिटी आ जाता है. ठीक है सर. फिर हमने पढ़ा रेगुलर प्लान और डायरेक्ट प्लान. यहाँ पे फिर हमने पढ़ा रेगुलर प्लान और डायरेक्ट प्लान. रेगुलर प्लान जिसके अंदर वी अपॉइंट डिस्ट्रीब्यूटर, डायरेक्ट प्लान हम खुद डायरेक्टली देते हैं. रेगुलर प्लान हम अपॉइंट करते हैं डिस्ट्रीब्यूटर, डायरेक्ट प्लान हम खुद देते हैं. अरे अगर हम डायरेक्टली इशू कर रहे हैं तो आप बताइए क्या कॉस्ट कम होगा? यस. यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में जितने लोग हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स को पैसा नहीं पड़ता है, यहाँ पैसा नहीं देना पड़ता, तो एक्सपेंस रेशियो यहाँ पे कम है तो रिटर्न पोटेंशियल यहाँ पे ज्यादा है. यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर रहते हैं तो एक्सपेंस ज्यादा है तो रिटर्न पोटेंशियल कम है. आर यू अंडरस्टैंडिंग? चलो ठीक है सर. देन कम्स वेरियस स्कीम ऑफ म्यूचुअल फंड. मुझे बताने की जरूरत नहीं है. इनकम ओरिएंटेड स्कीम, यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं डेट में जहां से हमें फिक्स इनकम मिले. ग्रोथ ओरिएंटेड, इक्विटी में इन्वेस्ट करेंगे जहां से हमें दो चीजें मिले, कैपिटल अप्रिसिएशन और डिविडेंड इनकम. डिविडेंड इनकम भी मिलती रहे और कैपिटल अप्रिसिएशन भी होता रहे तो हम इन्वेस्ट करेंगे ग्रोथ स्कीम. हाइब्रिड, थोड़ा डेट थोड़ा इक्विटी. हाई ग्रोथ हाई रिस्क हाई रिटर्न, रिस्की इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्टमेंट होता है. ठीक है सर. कैपिटल प्रोटेक्शन, कैपिटल हैज टू बी प्रोटेक्टेड, भले रिस्क ज्यादा नहीं मिले हम इन्वेस्ट करते हैं रिस्क फ्री सिक्योरिटीज में. टैक्स सेविंग स्कीम, ऐसी स्कीम जहां पे आपको टैक्स एग्जम्पशन भी मिलते हैं. स्पेशल स्कीम, स्पेशल स्कीम म्यूचुअल फंड रिफर्स टू दोज म्यूचुअल फंड्स व्हिच इन्वेस्ट इन सम पर्टिकुलर इंडेक्स, सेंसेक्स, निफ्टी और अ स्पेसिफिक सेक्टर, स्पेसिफिक इंडस्ट्री और स्पेसिफिक सेक्टर. वेरी गुड. रियल एस्टेट इन्वेस्ट करेगा रियल एस्टेट में, ऑफशोर इंडिया के बाहर. लेवरेज फंड खतरनाक है. ये फंड है, सबसे पहले फंड मैनेजर मार्केट में यूनिट्स इशू करके पैसा लाएगा, फिर मार्केट से पैसा बोरो भी करेगा, फिर ये टोटल अमाउंट जो है वो इन्वेस्ट करेगा. यहां पे द इन्वेस्टर गेन्स ओनली इफ द इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग इज लेस देन द रिटर्न परसेंटेज. अगर रिटर्न परसेंटेज 20% है और यहां पे 10% का इंटरेस्ट देना है तो ये एक्सेसिव 10% तो इन्हीं को मिलेगा ना, यूनिट होल्डर्स को. सो यूनिट होल्डर्स तभी गेन करते हैं. वेरी गुड. हेज फंड्स हमने पढ़ा कि जो स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग में फटाफट खरीदा बेचा, स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग जो करते हैं हेज फंड्स. फंड ऑफ फंड, जब एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करता है दूसरे म्यूचुअल फंड में. फंड ऑफ फंड्स इंडिया में प्रेवलेंट नहीं है, नॉट ऑपरेटिव इन इंडिया. न्यू डायरेक्शन फंड, मैं नहीं पढ़ाऊंगा, मुझे कोई हक नहीं बनता है पढ़ाने का. जो इन्वेस्ट करते हैं साइंटिफिक टेक्नोलॉजी, बर्थ कंट्रोल, एंटी पोल्यूशन और ओशनोग्राफी में. मनी मार्केट म्यूचुअल फंड ऐसा म्यूचुअल फंड जो इन्वेस्ट करेगा शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज अप टू 1 ईयर में. इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड, जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज के डेट में इन्वेस्ट करें. इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड, खत्म, इजी, डन. उसके बाद हमारा म्यूचुअल फंड टर्मिनोलॉजी. सबसे पहले पढ़ा ऑफर डॉक्यूमेंट. ऑफर डॉक्यूमेंट इज इशूड इन टू पार्ट्स, सिड एंड
साई, सिड बोले तो स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट, साई बोले तो स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन, स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन, स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट, सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन क्या होगी सिड, सारी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड इंफॉर्मेशन सिड, सारी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड इंफॉर्मेशन कि आप इन्वेस्टमेंट कहां करें कहां नहीं करें ये सब आप डिसीजन ले पाएंगे सिड के थ्रू. साई इंक्लूड्स ओनली स्टैट्यूटरीली रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन, जो स्टैट्यूटरी इंफॉर्मेशन है जो मैंडेटरीली रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है वो आती है साई में. ठीक है सर, उसके अंदर कंटेंट देख लेते हैं. अगर मैं बात करता हूं सिड का, तो सिड का कंटेंट क्या हो जाता है कि आपके स्कीम के कवर पेज पे पूरा स्कीम का स्ट्रक्चर, ओपन एंडेड है क्लोज एंडेड है, नेचर क्या है, आपके हाइलाइट्स क्या है, स्कीम के रिस्क फैक्टर, स्टैंडर्ड और स्पेसिफिक रिस्क कैसा रहने वाला है, और ड्यू डिलिजेंस सर्टिफिकेट जो एएमसी से आया है. अरे यही सब देखते हुए तो एक व्यक्ति इन्वेस्ट करेगा. आपके फीस एंड एक्सपेंस कितने, राइट्स, ये राइट ऑफ रिन्यूअल तो दोनों जगह पे आते हैं तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. पेनल्टी लिटिगेशन हमारे अगेंस्ट क्या है, मेन चीज है. उसके बाद में साई तो क्या करती है, सिर्फ रेलेवेंट जो मैंडेटरी है, भाई स्पॉन्सर का कौन है, म्यूचुअल फंड ट्रस्टीज, कस्टोडियन, रजिस्ट्रार, इन सब के हमारे सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन्फॉर्मेशन ऑन हाउ टू अप्लाई, कि अप्लाई कैसे करें. अरे नोबडी विल टेक देयर डिसीजन बेस्ड ऑन दिस ना, ओके यहां अप्लाई करना इजी है यहां अप्लाई करते हैं. अरे यार, सो द पॉइंट इज दिस इज जस्ट अ स्टैट्यूटरी इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड, इन्फॉर्मेशन हाउ टू अप्लाई, राइट तो दोनों तरफ ही आते हैं, राइट ऑफ रिन्यूअल दोनों तरफ का पॉइंट है. देन कम्स डिटेल ऑफ द फंड मैनेजर, फंड मैनेजर के बारे में और भी इन्फॉर्मेशन, एंड लास्ट टैक्स लीगल एंड अदर जनरल इन्फॉर्मेशन. तो ये सब मैंडेटरीली रिक्वायर्ड चीजें कि भाई ये तो होना ही चाहिए, कैसे अप्लाई करेंगे, राइट क्या है हमारे, म्यूचुअल फंड स्पॉन्सर इन सबका नाम होना चाहिए, इनके इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, फंड मैनेजर की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, ये सब स्टैट्यूटरीली रिक्वायर्ड है. फिर आता है एक चीज किम, किम कौन है, इट इज समरी ऑफ द एंटायर ऑफर डॉक्यूमेंट, समरी ऑफ सिड एंड साई. किम स्टैंड्स फॉर की इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम, इसमें होता कुछ नहीं, जो सिड और साई में वही यहां पर होता है समरी. अरे हो क्या गया, सेबी ने मैंडेटरी कर दिया, सेबी ने क्या कर दिया, मैंडेटरी कर दिया, सेबी हैज मेड इट मैंडेटरी कि भाई साहब आपने क्या करना चाहिए, आप जब भी कोई एप्लीकेशन फॉर्म दे रहे हैं तो एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में आपको किम देना अनिवार्य है. ठीक है सर, उसके बाद में की कंटेंट्स किम के अंदर क्या आएगा, वही जो ऊपर था, ऊपर जिनका इन्फॉर्मेशन था यहां पे उनका नेम आएगा, एएमसी, म्यूचुअल फंड ट्रस्टी, फंड मैनेजर, स्कीम सब के बारे में, ओपन एंड क्लोज डेट्स ऑफ द इशू, कब ओपन हो रहा है कब क्लोज हो रहा है, इशू प्राइस बता दो, प्लान एंड ऑप्शंस अवेलेबल, रिस्क प्रोफाइल जो रिस्क वहां से लाए, बेंचमार्क, डिविडेंड पॉलिसी, अगर हम कुछ प्लान कर रहे हैं, मैंने बताया ना एवरी मंथली हम कुछ प्लान कर रहे हैं तो वो भी बता दो, और ईयरली भी आपने कुछ प्लान किया तो बता दो, परफॉर्मेंस ऑफ द स्कीम एंड बेंचमार्क ओवर लास्ट 1, 3 and 5 years, पिछले 5 सालों में, 3 सालों में, 1 साल में हमने रिटर्न कैसा दिया है. लोड्स एंड एक्सपेंसेस, लोड्स मतलब जो मैंने बताया कमीशन जो आपको पे करना पड़ता है, फ्रंट एंड बैक एंड होता है कभी कभी, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन एंड रजिस्ट्रार, ये सारी चीज आपकी किम में होनी चाहिए. अरे मतलब एक व्यक्ति अगर समरी बेसिस पे डिसाइड कर रहा है इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है तो वो किम के देख के भी कर सकता है, किम को देख के भी कर सकता है. तो इवेंचुअली दिस इज नथिंग बट सिड और साई की समरी. फिर एक कंसेप्ट बड़ा फैक्ट शीट, मुझे बताओ किम बोलो, सिड बोलो, साई दो, किसको देते हैं, पोटेंशियल इन्वेस्टर, कि ये हमारे यूनिट्स खरीद सकते हैं इनको देते हैं, लेकिन फैक्टशीट दिया जाता है अपने यूनिट होल्डर को ऑन मंथली बेसिस, मंथली बेसिस पे जनरली दिया जाता है फैक्टशीट टू ऑल द यूनिट होल्डर. उसमें बताया कि हमारा यूनिट्स कैसे फंक्शन कर रहे हैं, हमारा एनईवी कितना है, हमारा एयूएम कितना है, एनईवी बोले तो नेट एसेट वैल्यू, एनईएम बोले तो असेट अंडर मैनेजमेंट, ये कितना है टोटल. उसके बाद में हमारा एक्सपेंस रेशियो, खर्चा कितना हो रहा है, एग्जिट लोड, एवरेज रिटर्न, वाईटीएम, मॉडिफाइड ड्यूरेशन, कि हमारा किस तरह से हम फंक्शन करें, उसके कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज. ठीक है, नेक्स्ट हमारा बेंचमार्क एंड फंड मैनेजर डिटेल, हमारा बेंचमार्क कैसा परफॉर्म कर रहा है, हमारा फंड मैनेजर के डिटेल, हमारे पास परफॉर्मेंस कैसे हैं, स्कीम एलोकेशन एंड पोर्टफोलियो, कि आपका पैसा किस तरह से एलोकेट किया, इक्विटी कितना, डेट कितना, उसके अंदर भी इक्विटी में बैंकिंग कितना, ऑटोमोबाइल कितना, रिटेल कितना, वो सारी चीजें यहाँ पे दिखी, स्टाइल बॉक्स, अदर स्कीम एट्रीब्यूट लाइक रिस्क कैटेगरी, मिनिमम इन्वेस्टमेंट स्कीम ऑब्जेक्टिव एक्सेट्रा, ये सारी चीजें आपको पीरियोडिकली क्या हर मंथ देना है फैक्टशीट में टू आर यूनिट होल्डर्स. फिर आए एनएवी, एनएवी क्या होता है आपको पता है फॉर्मूला, आप सबको पता है, हमने इसकी न्यूमेरिकल भी प्रैक्टिस किया, एनएवी का फॉर्मूला क्या है, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट एड करंट एसेट लेस करंट लायबिलिटी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स. चलो ठीक है सर, बिल्कुल सही, ये सब हमारा डन है. उसके बाद में हमने देखा एकदम आराम से ये चल रहा है, एक्सपेंस रेशियो जो टू ओवरऑल खर्चा हो रहा है म्यूचुअल फंड का, म्यूचुअल फंड को मैनेज करने के लिए तो फीस चार्ज में म्यूचुअल फंड टू मैनेज द इन्वेस्टर्स मनी, कि इन्वेस्टर के पैसे को मैनेज करने के लिए हमें कुछ तो पैसा चाहिए, दैट इज मैनेजमेंट एक्सपेंस और एक्सपेंस रेशियो. सेबी ने लिमिट लगा रखी है, इससे ज्यादा आप एक्सपेंस रेशियो रख नहीं सकते, इससे ज्यादा आप मैनेजमेंट एक्सपेंस के लिए खर्च नहीं कर सकते, क्योंकि तो फंड मैनेजर की सैलरी ना, फंड मैनेजर चाहेगा मैं बहुत सारी सैलरी ले लूं, तो सेबी ने कह दिया नहीं, देयर आर सर्टेन लिमिट्स. सर क्या लिमिट्स है, आपके असेट अंडर मैनेजमेंट के हिसाब से ऑन फर्स्ट 100 CR 2.5%, ऑन नेक्स्ट 300 CR 2.25%, नेक्स्ट 300 2%, लास्ट पे 1.75.
2.5 से कम हो रहा है, और यही मान लो डेट स्कीम होगी तो हर एक 0.25 से लेस हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 2.25 अगर डेट स्कीम होती है तो उस हिसाब से ये 2 हो जाएगा 1.75 1.5, इस तरह से हर एक का रिड्यूस होगा अगर वो डेट ओरिएंटेड स्कीम है तो। ये सारी चीजें चल रही थी सर, बहुत ईजी चल रहा था। उसके बाद में होल्डिंग पीरियड रिटर्न क्या होता है, हम सबको पता है, यील्ड का आपने कंसेप्ट देखा था, एक होमवर्क क्वेश्चन भी आपके पास में पेंडिंग, एकदम आराम से। होल्डिंग पीरियड रिटर्न क्या है, क्या भाई साहब मैंने आज खरीदा, दो महीने बाद मैंने बेचा, इस बीच मुझे क्या फायदा हुआ ये बता दो मुझे, मेरा होल्डिंग पीरियड रिटर्न बता दो, यील्ड कैलकुलेशन देखो हमको। सर लेकिन ये तो मैंने दो महीने, तो यील्ड कैलकुलेशन पर एनम पे, फिर हमने देखा उसको नंबर ऑफ टोटल मंथ्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मंथ्स होल्ड, पूरे फॉर्मुला से हम यील्ड पे आते हैं, उसका भी मैं सोल्यूशन आपको बता दूंगा, आपका होमवर्क क्वेश्चन था उसका। आर यू अंडरस्टैंडिंग? चलो उसके अंतर्गत हम एंड पे आते हैं, दैट इज सेबी म्यूचुअल फंड रेगुलेशन। इसके हमने जो हाइलाइट्स देखे, जो की पॉइंट, सबसे पहला सेकंड वाला जो हमने की पॉइंट देखा, हमने देखा कि ऑल द क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड हैव टू बी लिस्टेड विद इन 6 months, बट दीज 4 नीड नॉट बी लिस्टेड इफ इट ऑल इट इज प्रोवाइडिंग मंथली रिटर्न और इट इज डेडिकेटेड टू सीनियर सिटीजन, वुमेन, चिल्ड्रन, हैंडीकैप। सेकेंड, इफ इट ऑल इट इज स्पेसिफाइंग स्कीम ऑफ रीपर्चेज, इफ इट ऑल इट इज रीपर्चेसिंग विद इन, if at all it is a capital protection oriented scheme, in a closed ended mutual fund ko list hone ki koi avashyakta nahi hai, theek hai sab। uske baad mein humne dekha ki agar closed ended mutual fund ki tenure khatam ho gaya, they have an option to roll over, rolling over means extending the tenure bypassing a resolution by majority, aur jo chhodna chahte hain unko exit opportunity deni hai, theek hai। uske baad mein equity linked saving scheme ko chhod ke koi bhi scheme hai to maximum open kitna 15 डेज के लिए हो सकता है। उसके बाद में देखा कि एक ऑफर डॉक्यूमेंट होना चाहिए मिनिमम सब्सक्रिप्शन, यूनिट्स जो आप अप्लाई चाहते हैं लोग डालें, यूनिट्स इश्यूड, और साथ में मैक्सिमम यूनिट विच वुड बी रिटेन्ड, तो मिनिमम 80,000 हम इश्यू करना चाह रहे हैं 1 लाख, और मैक्सिमम जो रिटेन कर लेंगे 1,25,000, जो भी आप फिगर देना चाहते हैं, ठीक है सर ये दे दिया हमने। उसके बाद में सर लेकिन अगर ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया ना, तो जो लोग 5,000 यूनिट्स तक अप्लाई कर रहे हैं उनको तो पूरा अलॉटमेंट कर दो, और बाकी लोगों में प्रोरेटा बड़े लोगों में कर लो, ठीक है। A closed ended scheme would be wound up. एक कब कब वाइंडिंग होती है, चार केसेस पड़ा। सबसे पहला जब टेन्योर खत्म हो गया लेकिन हमने रोल ओवर नहीं करवाया, वाइंडिंग कब हो जाएगा, अरे हमारा टेन्योर कंप्लीट नहीं हुआ बीच में ही 75% लोग आके बोला वाइंडिंग करो, तब करवाना पड़ेगा। ट्रस्टी ने ऑन हैपनिंग्स ऑफ सम इवेंट कह दिया वाइंडिंग अप, या सेबी ने इन द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर कह दिया वाइंडिंग अप, इन चार केसेस में म्यूचुअल फंड हो जाएगा वाउंड अप एकदम आराम से। देखिए हमारी स्ट्रेटजी किस तरह से फंक्शन करती है, कि हमें सबसे पहले ये जो चीज है ये तो हमें याद ही होनी चाहिए, ये तो हमें याद ही होनी चाहिए म्यूचुअल फंड की। इसके अलावा कुछ और एडिशनल टॉपिक्स भी आएंगे म्यूचुअल फंड के, जो आपको क्वेश्चन आंसर फॉर्म में हम पढ़ेंगे, जो क्वेश्चन आंसर फॉर्म के अंदर हम पढ़ेंगे वो, और साथ में जो न्यूमेरिकल्स हैं, तो ये सब ये जो हमने पढ़े ये सिर्फ म्यूचुअल फंड में इतना सा पढ़ना ऐसा नहीं है, बट ये आपके की चीजें हैं जो कि आपको याद ही होनी चाहिए, एक भी वर्ड आप भूलना अफोर्ड नहीं कर सकते। फिर एडिशनल चीजें होगी जो हमें रीड करनी होगी मैं आपको दूंगा, और साथ में हमें जो न्यूमेरिकल सीखने वो तो है ही है। आर वी कंफर्टेबल या? चलो सो दैट विल बी ऑल, आई विल जस्ट शो यू द आंसर ऑफ दैट होमवर्क क्वेश्चन। चलिए उस पर आते हैं, होमवर्क क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं एक बार। हाँ हाँ संभालो अपने आपको, यस पीपल आप देख लेंगे कहीं कोई तकलीफ है, अरे पॉइंट का डिफरेंस इज ओके, 2 पॉइंट एंड 10 पॉइंट माइनर में डिफरेंस है बस, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वो आप देखेंगे। एक्चुअली कैसा है, आप में से कुछ लोगों ने बस डिफरेंस क्या होगा, ये कैलकुलेशन मैंने की नंबर ऑफ डेज के हिसाब से, और आप लोगों ने कैलकुलेशन नंबर ऑफ मंथ्स के हिसाब से कर ली होगी, तो इतना माइनर चलता है। यील्ड में वी शुड प्रेफर कैलकुलेटिंग नंबर ऑफ डेज के हिसाब से, बट इट इज ओके। एग्जाम में आपको जो दे रखा है उसको आपको देना है, कभी कभी एग्जाम में दे दिया जाता है कि आपको नंबर ऑफ डेज के हिसाब से लेना है, फिर नंबर ऑफ मंथ्स के हिसाब से लेना है, तो माइनर डिफरेंस वहां होगा, जिन लोगों ने मंथ्स के हिसाब से कैलकुलेशन लिया उनका थोड़ा सा अलग आया होगा, और ये डेज के हिसाब से ये है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? बाकी मोर लेस आंसर सही आ गया, जिनका नहीं आया है वो लोग पेन डाउन कर सकते हैं, एंड दैट विल बी ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच फॉर योर नाइस पेशेंस, एंड वी स्टार्ट अ फ्रेश टॉपिक टुमारो। और पढ़ा दो अभी, आज सब अच्छे कैसे हो गई?